होएगा। ओके सर, ठीक है। चलो सर, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू फिर से। चलो सर, अदर सोर्स पढ़ना है, ठीक है। इनकम टैक्स में हम लोग इनकम फ्रॉम अदर सोर्स पढ़ रहे हैं, उसी में हम लोग कुछ फाइनल डिस्कशन करेंगे, ठीक है। ऑलमोस्ट जो जो मुझे आपको अदर सोर्स रिलेटेड बताना था मैंने आप लोगों को बताया, ठीक है। अब कुछ फाइनल टच है और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और कुछ इंपॉर्टेंट 2 4 प्रोविजंस है जिसको मुझे डिस्कस कर लेना चाहिए, तो इसी के लिए ये वाला अदर सोर्स का क्लास आज है, ठीक है सर। पढ़ना तो पड़ेगा, इसमें तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, जो है सीखना वो तो सीखना पड़ेगा। तो ठीक है, तो अदर सोर्स है क्या, सबको याद तो होगा, फिर से याद दिलाऊं क्या सर? चलो सर, फिर से 2 मिनट बता देते हैं। अदर सोर्स वो अदर सोर्स होता है, अगर जैसे कि 5 हेड्स होता है ना सर हम लोग का, कितना हेड्स होता है? 5 हेड्स ऑफ इनकम। 5 हेड में से जो भी, मतलब 5 हेड्स क्या क्या है, कोई मुझे गिना सकते हो? कोई भी बताओ सर, 5 हेड्स ऑफ इनकम क्या क्या है, कोई तो एक जन बताओ। इनकम अंडर मैं रेट सुनना चाहूँ। सैलरी, इनकम अंडर ओके रेट ओके, हाउस प्रॉपर्टी, इनकम अंडर रेट बोल। हेलो हाँ बोल, इनकम मैं अंडर सुन। रेट कैपिटल गेन्स, हाँ, PGBP है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। तो ये जो 5 हेड्स ऑफ इनकम है, इसमें जिस हेड में किसी को जगह नहीं मिलता वो कहाँ आ जाता है? वो अदर सोर्स में आ जाता है। जिसका कहीं जगह नहीं है उसका जगह एक जगह में तो श्योर शॉट है, दैट इज अदर सोर्स। और कुछ इनकम को कहीं पर समझ में नहीं आता फिर कहाँ डाले, तो उसको क्या करते हैं, अदर सोर्स में डाल देते हैं। तो ये थोड़ा बेनिफिट होता है अदर सोर्स का, कि जो कहीं समझ नहीं आएगा अब उसको अदर सोर्स में डाल दो। तो हम लोग अदर सोर्स रिलेटेड जो जो पॉइंट में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, मैं आपको वो एक बार रिकॉल कराऊंगा, और फिर आज कुछ न्यू पॉइंट है जो मैं पहले नहीं करवाया था वो मैं आज बताता हूँ आप लोगों को। अच्छा देख लो तो सर, स्क्रीन शेयर है कि नहीं एक बार आप लोग चेक कर लो। स्क्रीन शेयर है सर, कंफर्म करना प्लीज। है दादा, यस सर। ठीक है, तो देखो सर, हम लोगों ने इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में प्रोफॉर्मा डन एकदम, क्या क्या इनकम हो सकता है, कैजुअल इनकम, डिविडेंड इनकम, कंसिडरेशन, ठीक है। काफी सारे पॉइंट ये सब ऑलरेडी डिस्कस कर भी चुके हैं। लास्ट क्लास में एक बहुत ही अच्छा सम्स भी करवाया था आप लोगों को, जिसके अंदर अदर सोर्स के साथ साथ कैपिटल गेन का भी थोड़ा एरिया था, बीबी का भी एक हल्का सा टच था, ठीक है। तो प्रोफॉर्मा हम लोगों ने डन कर चुके हैं, मतलब किस तरह से प्रोफॉर्मा किया जाता है। फिर डिडक्शंस नॉट अलाउेबल, सेक्शन 58, ठीक है, इसमें भी मैंने आप लोगों के साथ चर्चा किया था सर। टैक्स अदर सोर्स का, टैक्स का इम्प्लीकेशन क्या है, क्या रेट लगता है नॉर्मली, आप लोग जानते हो विनिंग में 30% का फ्लैट रेट चलता है, साथ में सेस लगता है, और आपका इनको डिडक्शन नहीं मिलता, किसी के साथ सेट ऑफ नहीं होता विनिंग, ये सब चर्चा हो चुका है। फिर आप लोगों के साथ मैंने क्या बोलते हैं सर, बाकी सेट ऑफ नहीं होता ये तो बोल दिया, अनएक्सप्लेन्ड कैश क्रेडिट्स, मतलब अगर आप अदर सोर्स में, अगर आप किसी भी तरह का अननोन सोर्स में आपका कोई इनकम है, अननोन सोर्स का इनकम मतलब क्या होता है सर, कि आपको पता ही नहीं है, कि पता नहीं है मतलब आप बताना नहीं चाहते, पता सबको होता है ना, पता सबको होता है, पता नहीं है नहीं, बट आप बताना नहीं चाहते, अनएक्सप्लेन, ठीक है। आप एक्सप्लेन नहीं करना चाहते कि आपको इनकम कहाँ से मिला, आपका इन्वेस्टमेंट का राज क्या है, आपका मनी बुलियन जो भी आपके पास है, बुलियन मतलब गोल्ड बिस्किट्स वगैरह, ज्वेलरीज जो भी है आपके पास, जो भी खर्चा आपने किया, ठीक है, मतलब बहुत सारा खर्चा करके आपने कुछ बना दिया, तो ये खर्चा किया तो फिर इनकम कहाँ से किया था आपने? तो अगर आप खर्चा का सोर्स नहीं बता पाते हो ना कि कौन सा इनकम से आपने खर्चा किया, तो वो भी आपका इनकम माना जाएगा। रेफर टू इन सेक्शन 68 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट एंड 69 एंड 69D में कहा गया है। तो फिर उस केस में उस इनकम पे कितना टैक्स लगाता है सर? 60%, उसमें 60 चार 25%, तो कुल मिला के इंक्लूडिंग एजुकेशन एंड हेल्थ सेस मिला के 78%। मतलब अगर आपके पास 100 रुपीज का ऐसा कोई इनकम है जिसका अनएक्सप्लेन्ड डेटा है आपके पास, ठीक है, मतलब आप एक्सप्लेन नहीं कर पाते, तो ये याद रखना सर, बड़ा ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है, ठीक है। तो फिर 78% तक का, मतलब 78 रुपया का टैक्स आपको देना पड़ेगा सरकार को, और ये सेट ऑफ नहीं होता। और बाकी कोई भी तरह का टैक्स हो अदर सोर्स का, किसी भी तरह का मतलब इनकम हो, टैक्स बोल रहे सर, एनी टाइप ऑफ इनकम इन अदर सोर्स,
ठीक है, वो उसका तो नॉर्मल स्लैब जो होता है दैट इज अप टू 2.5 लाख नील, ये जो कॉन्सेप्ट में चलता है इसी कॉन्सेप्ट में ही हम लोग नॉर्मल रेट ऑफ टैक्स से अदर इनकम को सॉल्व करते हैं, मतलब ये वीनिंग और अनएक्सप्लेन को छोड़ के बाकी किसी भी तरह का जो भी इनकम है उसका रेट तो नॉर्मल स्लैब में आता है, ये सब हम लोगों ने कर चुके हैं क्लास में। वेरी गुड सर, वी नो। अच्छा फिर हम लोग सर स्पेसिफिक इनकम चार्जेबल टू अंडर दिस हेड में 56 सबसेक्शन 2 जिसमें डिविडेंड इनकम कैजुअल इनकम का डिटेल्स अच्छे से किया। फिर इंटरेस्टिंग एक फैक्ट था 56 सबसेक्शन 2 क्लॉज 10, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन 56 सबसेक्शन 2 क्लॉज 10 का जो सेक्शन है ये आप लोगों के लिए बहुत ही वाइटल सेक्शन माना जाता है, क्योंकि यहाँ पर सम ऑफ मनी और प्रॉपर्टी रिसीव्ड बाय एनी पर्सन, अगर आपको कुछ भी पैसा मिलता है या प्रॉपर्टी मिलता है तो उसका टैक्स का क्या खेल है। अगर मैं थोड़ा सा आपको रिकॉल कराऊं तो आपको भी याद आ जाएगा, सर सर मनी अगर विदाउट कंसिडरेशन में रिसीव करते हो किसी से भी तो पूरा का पूरा अमाउंट इफ द सेम एक्सीड्स 50,000, अगर वो अमाउंट 50,000 क्रॉस करता है तो पूरा का पूरा अमाउंट विदाउट कंसिडरेशन रिसीव करते हो, मतलब बदले में कुछ पेमेंट ही नहीं करते, आपको ऐसे ही मिल गया, मतलब बेसिकली गिफ्ट है। गिफ्ट ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, विदाउट कंसिडरेशन गिफ्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट 50,000 तक अलाउड करेगा, 50 से ऊपर जाएगा तो सारा का सारा अमाउंट होल अमाउंट टैक्सेबल हो जाता है। याद आ रहा है सर आप लोगों को? हेलो, हाँ सर, ओके, हाँ सर। अच्छा फिर हम लोगों ने सर, फिर हम लोगों ने मूवेबल प्रॉपर्टी के केस में, मूवेबल प्रॉपर्टी के केस में हम लोगों ने पढ़ा था, ये देखो सर मूवेबल प्रॉपर्टी के केस में हम लोगों ने विदाउट कंसिडरेशन, मतलब वो मनी था मूवेबल प्रॉपर्टी के केस में, इसके ऊपर हम लोगों ने क्वेश्चंस भी कर लिया। विदाउट कंसिडरेशन है द एग्रीगेट फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी इफ इट एक्सीड्स 50,000, अगर एग्रीगेट फेयर मार्केट वैल्यू प्रॉपर्टी का 50,000 क्रॉस करता है और वो भी विदाउट कंसिडरेशन, तो वो केस में भी आपको वो 50,000 के ऊपर जितना जाएगा, मतलब 50,000 के ऊपर जितना जाएगा पूरा का पूरा अमाउंट टैक्सेबल। मूवेबल प्रॉपर्टी है इनएडिक्वेट कंसिडरेशन है, मतलब जितना देना चाहिए था उतना नहीं दिया, डिफरेंस बिटवीन द एग्रीगेट फेयर मार्केट वैल्यू एंड द कंसिडरेशन, अगर उनका डिफरेंस 50,000 क्रॉस करता है तो पूरा अमाउंट टैक्सेबल होगा। इमूवेबल प्रॉपर्टी के केस में विदाउट कंसिडरेशन है, मतलब प्रॉपर्टी मूवेबल नहीं है, वहीं पर है सर, इमूवेबल प्रॉपर्टी है, इस केस में स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू का पिक्चर में आ जाता है सर, स्टैम्प वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी इफ इट एक्सीड्स 50,000। सर इतना जल्दी में क्यों बोल रहे हैं? बिकॉज सर हम लोग कर चुके हैं ना, ये सब हम लोग प्रीवियस क्लास में कर चुके हैं, ये तो रिविजन करवा रहा हूं मैं आप लोगों को, थोड़ा सा रिपीट टेलीकास्ट चल रहा है कि लास्ट दिन हम लोगों ने क्या क्या किया था लास्ट क्लास में। तो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी इफ इट एक्सीड्स 50,000, इसके ऊपर भी हम लोगों ने चर्चा किया। इमूवेबल प्रॉपर्टी इनएडिक्वेट कंसिडरेशन, इसके ऊपर क्वेश्चंस भी सॉल्व किया, द डिफरेंस बिटवीन द स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू एंड द कंसिडरेशन इफ सच डिफरेंस एक्सीड्स द हायर ऑफ 50,000 एंड 10% ऑफ कंसिडरेशन, मतलब जितना कंसिडरेशन आपको मिल रहा है और 50,000 कंसिडरेशन का 10% और 50,000 जो हायर अमाउंट है वो आपका टैक्सेबल हो जाता है। द डिफरेंस बिटवीन द स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू एंड द कंसिडरेशन, अगर वो डिफरेंस हायर ऑफ 50,000 और कंसिडरेशन का 10% से ज्यादा हो तो वो अमाउंट टैक्सेबल कर देते हैं। ये सब हम लोगों ने कर चुके हैं सर, ओके। अच्छा रिसीप्ट्स एग्जेम्प्टेड फ्रॉम एप्लीकेबिलिटी ऑफ सेक्शन 56 सबसेक्शन 2 क्लॉज 10, रिसिप्ट एग्जेम्प्टेड मतलब जो 56 टू 10 में रिसिप्ट करते हैं बट उसको एग्जेम्प्ट किया जाता है नॉर्मली, जैसे कि एनी सम ऑफ मनी और वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी अगर आप रिलेटिव से लेते हो, ऑन द ऑकेशन ऑफ मैरिज में लेते हो, अंडर ए व्हील और बाय वे ऑफ इनहेरिटेंस पे लेते हो, इन कंटेम्प्लेशन ऑफ डेथ ऑफ द प्रेयर और डोनर एज द केस में भी, ठीक है, फ्रॉम एनी लोकल अथॉरिटी से अगर आपको कुछ भी मिलता है, फ्रॉम एनी फंड ऑफ फॉर यूनिवर्सिटी अदर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हॉस्पिटल्स और अदर इंस्टीट्यूशन और अदर ट्रस्ट और इंस्टीट्यूशन, ये सब हम लोगों ने पढ़ चुके हैं सर। अच्छा बाय एनी, अच्छा बाय वे ऑफ ट्रांजैक्शन नॉट रिगार्डेड एज ट्रांसफर अंडर स्पेसिफाइड क्लॉज ऑफ सेक्शन 47, फ्रॉम एन इंडिविजुअल बाय ए ट्रस्ट क्रिएटेड और एस्टैब्लिश्ड ओनली फॉर द बेनिफिट ऑफ रिलेटिव ऑफ द इंडिविजुअल, फ्रॉम सच क्लास ऑफ पर्सन एंड सब्जेक्ट टू सच कंडीशन एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड, ये सब मैंने डिस्कशन किया था लास्ट क्लास में, अगर किसी ने लास्ट क्लास मिस किया एक बार जरूर लास्ट क्लास गो थ्रू करना सर, अच्छे से क्लियर किया गया है सर। अच्छा अदर रिसिप्ट चार्जेबल टू दिस सेट, मतलब ये हमारा जो सेक्शन है दैट इज सेक्शन 56 सबसेक्शन 2 क्लॉज 10, ठीक है, यहाँ पर मेनली कॉन्सेप्ट क्या था, 56 सबसेक्शन 2 क्लॉज 10 का मेन कॉन्सेप्ट यही है कि यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, सम ऑफ मनी और प्रॉपर्टी रिसीव्ड बाय एनी पर्सन, तो सम ऑफ प्रॉपर्टी और मनी रिसीव्ड बाय एनी पर्सन का कॉन्सेप्ट सेक्शन 56 सबसेक्शन 2 क्लॉज 10 में बताते हैं, लेकिन सर कुछ रिसीप्ट्स है जो अदर सोर्स में चार्ज किया जाता है, ठीक है, हम लोगों ने कुछ पॉइंट पढ़ा जो अदर सोर्स में चार्ज नहीं करना चाहिए, लेकिन कुछ पॉइंट है जो अदर सोर्स में चार्ज करने के लिए बताते हैं, लेकिन वो रिसीव मनी के हिसाब से या प्रॉपर्टी के हिसाब से आप करते हो,
जैसे 56 सबसेक्शन 2 क्लॉज 7B यहां पर बता रहा है सर, कंसिडरेशन रिसीव्ड इन एक्सेस ऑफ फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर्स इशूड बाय ए क्लोजली हेल्ड कंपनी, ये भी हम लोगों ने किया है, टू एनी पर्सन बीइंग ए रेसिडेंट टू बी ट्रीटेड एज इनकम ऑफ सच कंपनी वेयर शेयर्स आर इशूड एट ए प्रीमियम. 56 सबसेक्शन 2 क्लॉज 8 इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन कंपनसेशन और एनहांस कंपनसेशन, इसके बारे में मैं क्वेश्चंस आप लोगों को आज करवाने वाला हूं सर. डीम्ड टू बी द इनकम इन द ईयर ऑफ रिसीव्ड एंड टैक्सेबल अंडर द हेड ऑफ इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, मैं आज डिस्कस करूंगा इसके बारे में. ये एनहांस कंपनसेशन याद आ रहा होगा आप लोगों को, ठीक है. एनहांस कंपनसेशन क्या है मुझे पूछा था किसी ने, मुझे याद है, ठीक है. तो मैं आज इसका क्वेश्चंस करवाऊंगा तो आपको एनहांस कंपनसेशन थोड़ा समझ में आ जाएगा. अच्छा, एनी सम ऑफ मनी रिसीव्ड एज एन एडवांस और अदरवाइज इन द कोर्स ऑफ नेगोशिएशन फॉर ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट इन सच सम इज फॉरफिटेड एंड नेगोशिएशन डू नॉट रिजल्ट इन ट्रांसफर ऑफ सच एसेट, याद है. इसके बारे में मैंने कैपिटल गेन के साथ कंपेयर करके आप लोगों को समझाया था कि अगर आपने किसी के साथ जमीन लिया था और फिर जमीन के बाद जमीन बेचना था आपको और फिर किसी से आपने कुछ बुकिंग मनी लिया था, याद है बुकिंग मनी का खेल. हाँ सर, 56 सबसेक्शन 2 क्लॉज 9 वो बुकिंग मनी आपका फॉरफिट कर देते हो तो वो अदर सोर्स में आ जाएगा. 56 सबसेक्शन 2 क्लॉज 11 कंपनसेशन और अदर पेमेंट ड्यू टू और रिसीव्ड बाय एनी पर्सन बाय व्हाटएवर नेम कॉल्ड इन कनेक्शन विद द टर्मिनेशन ऑफ हिज एम्प्लॉयमेंट, मतलब आपका जॉब था, जॉब आपका अभी करंटली क्या किया जा रहा है, टर्मिनेट किया जा रहा है, तो बदले में आपको कुछ पेमेंट मिल रहा है, तो वो पेमेंट एग्जैक्टली सैलरी पेमेंट नहीं है, ठीक है. तो अगर वो प्रॉपरली सैलरी पेमेंट नहीं है तो फिर वो जो अमाउंट आपको मिलेगा वो 56 सबसेक्शन 2 क्लॉज 11 में आपका अदर सोर्स इनकम माना जाएगा, ठीक है. तो इस तरह का कुछ इंपॉर्टेंट एरिया था. और एक एरिया जो मैंने एकदम डिस्कस नहीं किया था आप लोगों से, मैं थोड़ा सा डिस्कस इसको कर लूँ सर एक बार, फिर मैं कुछ क्वेश्चन करवाऊंगा तो आपके मन में अदर सोर्स रिलेटेड जो भी सवाल जवाब है वो तो क्लियर हो जाएगा. ओके, डिडक्शंस अलाउबल, मतलब हम लोग 57 में अदर सोर्स के 57 में डिडक्शंस के बारे में बात करते हैं, ठीक है, और डिडक्शन नॉट अलाउबल के बारे में 58 में बात करते हैं, ठीक है. तो ये 57 और 58 को एक बार पढ़ ले, फिर कुछ क्वेश्चंस वगैरह सॉल्व कर ले तो मुझे नहीं लगता कि और दिक्कत होने वाला है सर, ठीक है. चलो देख लेते हैं, ये पॉइंट में मैंने ज्यादा डिस्कशन नहीं किया था सर. सबको समझ आ रहा है ना हम लोग क्या पढ़ रहे हैं और क्यों पढ़ रहे हैं? हाँ, एनी डाउट सर किसी के मन में? समझ तो आ रहा होगा, कनेक्शन तो हो गया होगा सर, बोलो ना. यस सर, है दादा. बस सर, वही जैसे दिल का तार जोड़ना जरूरी होता है वैसा भी सब्जेक्ट का तार जोड़ना, तार समझते हो मतलब कनेक्शन, ये जो वाईफाई नहीं लगता है ना कभी कभी, नेट प्रॉब्लम करता है, ये नेट का प्रॉब्लम को दूर करना है, मतलब सब्जेक्ट के साथ भी आपको नेट कनेक्ट करना है. तो नेट कनेक्ट एक बार हो जाए तो एकदम अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई फ्लो होता जाएगा, जो भी सीखोगे फ्लो होता जाएगा, ईच एंड एवरी पॉइंट क्लियर होता जाएगा, ठीक है सर. चलो आगे बढ़ो. ओके सर, आगे बढ़ते हैं फटाफट. डिडक्शन अलाउबल 57 में इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में डिडक्शंस के बारे में क्या बोलता है? बोलता है सर, इन केस ऑफ डिविडेंड और इनकम, इन केस ऑफ डिविडेंड और इनकम इन रिस्पेक्ट ऑफ यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड और इनकम फ्रॉम रिस्पेक्ट ऑफ यूनिट्स फ्रॉम ए स्पेसिफाइड कंपनी, अगर आपको ऐसे कुछ मिलता है, ठीक है, डिविडेंड इनकम इन रिस्पेक्ट ऑफ यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड के थ्रू से, या इनकम ऑफ रिस्पेक्ट ऑफ यूनिट फ्रॉम ए स्पेसिफाइड कंपनी जो गवर्नमेंट स्पेसिफाई कर देता है कभी कभी, वैसा कुछ हो गया तो आपको डिडक्शन मिल जाता है. इंटरेस्ट एक्सपेंडिचर टू अर्न सच इनकम, उस पर्टिकुलर अर्निंग को करने के लिए आपने अगर कुछ इंटरेस्ट एक्सपेंडिचर किया है तो वो आपको माइनस करने को मिलेगा. However, such interest expense cannot exceed, जो interest expense आपने किया वो 20% of such income से ज्यादा नहीं होना चाहिए included in total income without deduction under this section. अब बात समझो सर, जब calculation करेंगे थोड़ा और ज्यादा समझ आएगा. क्या बोलते हैं सर, however, such interest expense cannot exceed 20% of such income, मतलब आपने जो total income कमाया, ठीक है, suppose आपने कुछ dividend income या unit from specified company से कुछ income किया, तो आपका जो टोटल इनकम करने के लिए अगर आपने किसी भी तरह का इंटरेस्ट एक्सपेंडिचर किया तो कहते हैं कि सच इंटरेस्ट एक्सपेंस कैन नॉट एक्सीड 20% ऑफ सच इनकम इंक्लूडेड इन टोटल इनकम, जो टोटल इनकम पे इंक्लूड किया गया है, ठीक है, विदाउट डिडक्शन अंडर दिस सेक्शन, जो इस पर्टिकुलर सेक्शन में डिडक्शन नहीं किया गया है, ठीक है. ये अमाउंट अगर आपने पहले कुछ डिडक्शन नहीं लिया तो फिर 20% तक आप डिडक्शन ले सकते हो. सर थोड़ा सा अभी भी आइडिया अधूरा रह गया, कोई बात नहीं सर, अधूरा तो हम लोग क्वेश्चन करके ही समझ सकते हैं, लेकिन आपको
फिलहाल इतना याद रखना है कि सच इंटरेस्ट एक्सपेंसेस कैन नॉट एक्सिस्ट 20%, मतलब जो भी इंटरेस्ट एक्सपेंडिचर आप लोगे उसके लिए, मतलब इंटरेस्ट एक्सपेंडिचर जितना माइनस करोगे, एक्सपेंस है ना आपका, तो एक्सपेंस आप माइनस कर सकते हो। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, डिडक्शंस पढ़ रहे हैं सेक्शन 57 अदर सोर्स का, तो आप डिडक्शंस ले सकते हो, बट वही इंटरेस्ट एक्सपेंस जितना आप करोगे उसका टोटल इनकम का 20% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। जो टोटल इनकम आपने मतलब आपको मिला उसका 20% से ज्यादा इंटरेस्ट एक्सपेंस नहीं होना, आप लेस नहीं कर पाओगे। आगे बताते हैं सर, क्वेश्चंस करेंगे अभी कुछ देर बाद, तो थोड़ा सोल्यूशन एकदम क्लैरिटी दे देगा। अच्छा, इन केस ऑफ इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज, अगर आप सिक्योरिटीज मतलब आप समझते हो सर शेयर्स डिवेंचर्स ये सब ना, शेयर डिवेंचर्स वगैरह के केस में एनी रीजनेबल सम पेड बाय वे ऑफ कमीशन और रेमुनरेशन टू ए बैंकर और एनी अदर पर्सन, अगर आपने इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज के चलते मतलब जब भी आप सिक्योरिटीज वगैरह लेते हो तो उसके लिए आपने कुछ पेमेंट किया, ठीक है, उसके लिए आपने कुछ पेमेंट किया, तो अगर आपने जो भी पेमेंट किया तो वो पेमेंट क्या है, वो पेमेंट आपने कमीशन के तौर पे, रेमुनरेशन के तौर पे किसको पेमेंट किया, किसी बैंक को दिया, ठीक है, बैंकर और एनी अदर पर्सन, होता है ना सर, जब भी कोई शेयर सिक्योरिटीज लेते हैं तो बदले में कुछ इंटरेस्ट वगैरह किसी कारण से किसी को देना पड़ रहा है, तो अगर ऐसा कुछ भी आपने बैंकर को या किसी भी पर्सन को आपने किसी भी तरह का दिया, रीजनेबल सम पेड, हाँ रीजनेबल का मतलब वो देखना पड़ेगा परसेंटेज में कितना रीजनेबल होना चाहिए, बाय वे ऑफ कमीशन या रेमुनरेशन, अब कमीशन का मतलब कुछ भी नहीं तो हो सकता ना, एक रीजनेबल लेवल पे कमीशन होता है तो वो देखना पड़ता है, तो वो अमाउंट आप डिडक्ट कर सकते हो। अच्छा, इनकम कंसिस्ट ऑफ रिकवरी फ्रॉम एम्प्लॉइज एज कंट्रीब्यूशन टू एनी प्रोविडेंट फंड सुपर एनुएशन फंड एटसेट्रा, इनकम कंसिस्ट ऑफ रिकवरी फ्रॉम एम्प्लॉइज, मतलब आपने प्रोविडेंट फंड में कुछ अमाउंट दे रहे हो तो कुछ अमाउंट आप अपने एम्प्लॉय से भी लेते हो ना, तो जो अमाउंट आप एम्प्लॉय से ले रहे हो तो इनकम वो आपके लिए है, ठीक है, यहाँ पर जैसे सिक्योरिटी से आपको इंटरेस्ट मिल रहा है वो आपके लिए इनकम है, ठीक है, स्टार्टिंग में जैसे आपको डिविडेंड मिल रहा था वो आपके लिए इनकम है, लेकिन इस इनकम को करने के लिए जैसे कि यहाँ पर बता रहा है सर रिकवरी फ्रॉम एम्प्लॉयज, अगर किसने भी सैलरी पढ़ा था, जिन्होंने सैलरी का क्लास कर चुके हैं, ठीक है, सैलरी में उनको याद होगा हम लोग प्रोविडेंट फंड में पैसा डालते हैं सैलरी में, मतलब जो एम्प्लॉयर होता है ना सर, एम्प्लॉयर क्या करता है, ऐसे एक गुल्लक बनाते हैं, जिनका सैलरी हो चुका है उनको पता है, ठीक है, ऐसा एक गुल्लक बना जाता है, ठीक है, फिर उस गुल्लक में वो क्या करते हैं सर, दोनों तरफ से अमाउंट डालते हैं, एक को हम लोग क्या बोलते हैं सर बोलो, वन इज कॉल्ड एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन है ना, और दूसरा क्या बोलते हैं, ये प्रोविडेंट फंड है, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, और एक तरफ होता है एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन, वेरी गुड सर, एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन, तो ये जो अपना ओनर होता है कंपनी का उनको ये कंट्रीब्यूट करना पड़ता है, एम्प्लॉय को भी कंट्रीब्यूट करना पड़ता है और कुछ अमाउंट तो एम्प्लॉय से भी लेता है। तो यहाँ पर क्या बताया जा रहा है सर, इनकम कंसिस्ट ऑफ रिकवरी फ्रॉम एम्प्लॉयज एज कंट्रीब्यूशन टू एनी पीएफ और सुपरएनुएशन फंड, मतलब अगर आप कुछ अमाउंट एम्प्लॉय से रिकवर कर रहे हो तो कहते हैं वो आपके लिए इनकम है, बिकॉज जो आपको देना था वो आपके बदले आपके एम्प्लॉय आपको दे रहा है, अमाउंट ऑफ कंट्रीब्यूशन रेमिटेड बिफोर द ड्यू डेट अंडर द रेस्पेक्टिव एक्ट्स इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 36 सबसेक्शन 1 क्लॉज 5। इसका मतलब क्या हो गया कि जब आप प्रोविडेंट फंड में अमाउंट कुछ भी इन्वेस्ट कर रहे हो, ठीक है, प्रोविडेंट फंड में आप डाल रहे हो लेकिन आपने एम्प्लॉय से भी कुछ रिकवर किया, ठीक है, तो कहते हैं कि अमाउंट ऑफ कंट्रीब्यूशन जो आप रेमिट करोगे किसको, बाद में किसको करोगे, आप एम्प्लॉय को ही करोगे, अमाउंट ऑफ कंट्रीब्यूशन रेमिटेड बिफोर द ड्यू डेट अंडर द रेस्पेक्टिव एक्ट, मतलब जिस पर्टिकुलर एक्ट प्रोविडेंट फंड एक्ट के थ्रू से जब आप रेमिट करोगे इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 36(1) क्लॉज 5A, मतलब जो कंट्रीब्यूशन आप रेमिट करोगे वो अमाउंट आप डिडक्शन के तौर पर दिखा सकते हो, ठीक है, आप इनकम किए जो आपने एम्प्लॉय से उठाया वो आपके लिए इनकम माना जाता है अदर सोर्स में, लेकिन रेमिटेंस के टाइम पे जो कंट्रीब्यूशन आप रेमिट करोगे वो अमाउंट आप डिडक्शन के तौर पर शो कर सकते हो। बाकी तो सर क्वेश्चंस के में अंदर हम लोग देख लेंगे कि इसका क्या ट्रीटमेंट हो जाएगा। ओके, और क्या सर, इनकम फ्रॉम लेटिंग ऑन हायर ऑफ मशीनरी, अगर आप मशीनरी को भाड़े पे देते हो, प्लांट एंड फर्नीचर को भाड़े पे देते हो, विद और विदाउट बिल्डिंग, चाहे बिल्डिंग के साथ प्लांट मशीनरी दे दो या बिल्डिंग बिना प्लांट मशीनरी दे दो, कहते हैं मतलब ये आपके लिए क्या हो गया, इनकम हो गया, कहते हैं कि करेंट रिपेयर्स टू द मशीनरी, जो भी मशीनरी पे आपने रिपेयर किया, प्लांट पे आपने रिपेयर किया, फर्नीचर और बिल्डिंग पे भी आपने कुछ रिपेयर किया, आपने कोई इंश्योरेंस प्रीमियम डाला, डिप्रिसिएशन अमाउंट आपने कुछ खर्चा किया, अनअब्सॉर्ब्ड डिप्रिसिएशन जो अभी तक अब्सॉर्ब नहीं हुआ है, ठीक है, वो सारा का सर आप क्या कर सकते हो सर, डिडक्ट कर सकते हो, ये सब डिडक्शंस आपके लिए अलाउड करता है, मतलब सिंपल बात है,
बिजनेस में एक कॉन्सेप्ट होता है ना सर, जैसे हम लोग अगर एक बीपी में एक कॉन्सेप्ट होता है, बहुत फेमस कॉन्सेप्ट है बीपी का, आप लोग जानते हो जो लोग बीपी पढ़े हो, और जो नहीं पढ़े हो उनको भी कॉमन सेंस में समझ आ जाएगा कि बिजनेस इनकम हम लोग कैसे बोलते हैं। रेवेन्यू से एक्सपेंस को माइनस करते हैं तभी ना इनकम होगा, या रेवेन्यू को ही इनकम बोल देंगे। हाँ सर, रेवेन्यू से एक्सपेंस को हटाएंगे तब ना बोलेंगे इनकम। यस और नो? यस सर, है ना, यस बिजनेस रेवेन्यू कमाते हैं, ये बीपी में होता है, बिजनेस एंड प्रोफेशन में होता है। ठीक है, बिजनेस रेवेन्यू करेगा, वहां से एक्सपेंस को हटाएगा तब इनकम बोलता है। तो ये जस्टिफाइबल है ना सर, कि मैंने सेल किया, रेवेन्यू मीन्स बेसिकली सेल, सेल करते वक्त मैंने खर्चा किया, दैट इज आपका परचेज एरिया, है ना। एक्सपेंस मीन्स क्या है? परचेज। नॉर्मल एकदम कॉमन सेंस में आप लोग बचपन से फाइनल अकाउंट्स करते हो, ठीक है, तो सेल से परचेज करोगे तभी ना इनकम फाउंड आउट कर पाओगे। अगर क्या सिर्फ रेवेन्यू को ही अगर कोई इनकम बोल दे तब तो वो बुद्धू बन जाएगा ना। रेवेन्यू कभी आपका इनकम थोड़ी हो सकता है, रेवेन्यू आपका मतलब अर्निंग है। अब अर्निंग से एक्सपेंस को हटाओ तो आपको इनकम पता चलेगा। नाउ पॉइंट क्या है, एक्चुअली ये अदर सोर्स वगैरह में भी ना कुछ अर्निंग आप करते हो, ठीक है, तो कहते हैं कि अदर सोर्स में तो ऐसे इस एज सच खर्चा को मेंटेन नहीं किया जाता, बट फिर भी कुछ कुछ एरिया में आपको रिडक्शंस मिल रहा है, जैसे कि आप लोगों ने 57 के अंदर देख पा रहे हो। आप लोग समझ पा रहे हैं ना सर, यहाँ पर आप अर्न कर रहे हो लेकिन कुछ खर्चा ऐसे होते हैं जो आपको डिडक्शन के तौर पर मिलते हैं, तो आपका अर्निंग क्या हो जाएगा, कम दिखेगा और आपका टैक्स कम हो जाएगा। तो ये बेनिफिटेड है फॉर द क्लाइंट, फॉर एसएससी के लिए बेनिफिट होगा। ठीक है, बस यही है और कुछ नहीं। फैमिली पेंशन की रिगार्डिंग एक कॉन्सेप्ट है सर, फैमिली पेंशन की रिगार्डिंग, अगर फैमिली पेंशन किसी को मिल रहा है तो उसके लिए अदर सोर्स होता है ना। फैमिली पेंशन अदर सोर्सेस है, जिसके जिसका पेंशन था उसके लिए सैलरी है, बट जो जिनका पेंशन था वो तो गुजर गए लेकिन उनके फैमिली को, जैसे हस्बैंड गुजर गए तो वाइफ को पेंशन मिलता है ना, या वाइफ गुजर गए तो हस्बैंड को भी मिल सकता है, डिपेंड करता है ठीक है क्या सिचुएशन है। तो फैमिली पेंशन जो भी रिसीव कर रहा है उसमें सम इक्वल टू 33 1/3% ऑफ सच इनकम और 15,000 व्हिच एवर इज लेस, ये अमाउंट आपको डिडक्शन के तौर पे मिलेगा। मतलब पूरा का पूरा इनकम को टैक्सेबल नहीं किया जाता, टोटल इनकम का जो इनकम आप कर यहाँ पर रिसीव होगा, अगर 1 लाख रिसीव होता है तो 1 लाख का 33.5% मतलब सॉरी 33 1/3%, ठीक है, 33 1/3% ऑफ सच इनकम और 15,000, इनमें से जो कम होगा वो अमाउंट आप डिडक्शन के तौर पर दिखा सकते हो, याद रखिएगा सर। ठीक है, और एक पॉइंट है सर, इंटरेस्ट ऑन कंपेंसेशन और एनहांस कंपेंसेशन रिसीव, इंटरेस्ट ऑन कंपेंसेशन और एनहांस कंपेंसेशन रिसीव 50% ऑफ सच इंटरेस्ट इनकम। अगर आप किसी भी तरह का कंपेंसेशन रिसीव करते हो या बढ़ा हुआ कंपेंसेशन मतलब एनहांस किया हुआ कंपेंसेशन रिसीव करते हो, तो कहते हैं कि 50% ऑफ सच इंटरेस्ट इनकम, जो भी इंटरेस्ट इनकम आप करते हो उसका 50% तक आपको डिडक्शन मिल सकता है। 50% ऑफ सच इनकम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट सर, 50% ऑफ सच इंटरेस्ट इनकम तक आप डिडक्शन ले सकते हो। तो ये बेनिफिट उठाओ आप, ठीक है, एज एन अदर सोर्स, जब भी आप इनकम खुद करो या फिर जब क्लाइंट का हैंडल करो तो आपको ये याद रखना जरूरी है। तो याद रखिए सर, अब ये सब रूल ही तो है जो आपका क्वेश्चंस को सॉल्व करने में आपको हेल्प करेगा। ओके सर, ओके ओके डोके, ठीक है चलो, ओके डोके, हम लोग 57 तो समझ गए है ना, 57 तो समझ गए अभी, और 58 में कुछ ऐसे पॉइंट में बोला गया है सर डिडक्शन नॉट अलाउेबल, जैसे कि कॉमन सेंस लगाओ सर, क्या अदर सोर्स में पर्सनल एक्सपेंस अलाउ करेगा? आपका व्यक्तिगत खर्चा, ठीक है, व्यक्तिगत खर्चा इन द सेंस, से फॉर एग्जांपल आप कंपनी में डिविडेंड उठाने गए और डिविडेंड उठाने के टाइम पे आपने कार लेके गए थे, ठीक है, तो आपका कार का पेट्रोल का खर्चा उठा लोगे क्या? कंपनी का डिविडेंड कलेक्ट करने गए, किसी से इंटरेस्ट कंपेंसेशन लेने गए, कि आप गाड़ी का खर्चा उठा लोगे क्या उससे? हाँ, पेंशन रिसीव करने गए तो मेरा रास्ते में रेस्टोरेंट का खर्चा उठा लूंगा, ठीक है, या फिर रास्ते में जाते जाते मेरे को बहुत भूख लगा था तो मैं बहुत कुछ खा लिया, हाँ मेरे को भूख लगता है, ऐसा कुछ भी नहीं। मतलब किसी भी तरह का पर्सनल एक्सपेंसेस आप लेस नहीं कर सकते, ठीक है, एनी पर्सनल एक्सपेंसेस आपको डिडक्शंस में अलाउड नहीं है, जो सेक्शन 58 आपको साफ साफ कहता है। एनी इंटरेस्ट चार्जेबल टू टैक्स अंडर द एक्ट व्हिच इज पेएबल आउटसाइड इंडिया, अगर कोई इंटरेस्ट आपको आउटसाइड इंडिया पेमेंट करना पड़ रहा है, एनी इंटरेस्ट चार्जेबल टू टैक्स अंडर द एक्ट व्हिच इज पेएबल आउटसाइड इंडिया ऑन व्हिच टैक्स हैज नॉट बीन पेड और डिडक्टेड एट सोर्स, दैट मींस अगर आप किसी पेमेंट पे मतलब इंटरेस्ट पेमेंट कर रहोगे, किसको करोगे इंटरेस्ट पेमेंट? इंटरेस्ट पेमेंट इंडिया के बाहर करोगे,
ठीक है, कोई सर्विस आपसे लिया था या फिर आपको दिया था, तो फिर आप उसको पेमेंट कर रहे हो। हाँ सर, किसी से आपने सर्विस लिया था तो आप उनको पेमेंट करोगे, और पेमेंट करने के टाइम पे आपको क्या करना चाहिए, उनसे उनको पेमेंट करने के टाइम पे आप उनका TDS काटो, बिकॉज वो उसके लिए इनकम है ना। अब बात को समझो, ये TDS फॉरेन में, TDS काट मतलब फॉरेन पेमेंट में, अगर आप बिना TDS का पेमेंट कर देते हो ना, तो वो एक्सपेंस आपको अलाउड कभी नहीं करेगा, बिकॉज वो आपके लिए एक्सपेंस है। आपने इंटरेस्ट पे किया, फॉरेनर को पे किया, बहुत बढ़िया किया, बट उस फॉरेनर का जो अर्निंग है, उस अर्निंग के सरकार का भी अर्निंग है। आप समझ सकते हो कि नहीं? से फॉर एग्जाम्पल, आपने मानो कि जैसे एक सिंपल बात करते हैं, चलो जैसे आप लोगों को खबर होगा, आप लोग मेरा स्टेटस अगर व्हाट्सएप में ख्याल किए होंगे, तो अपना कतार के साथ इंडिया का रिसेंटली एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग हुआ है चार्टर्ड इंस्टीट्यूट के साथ, कि इंडिया क्या करेगा। ऐसे इंडिया ग्लोबल, देखो ग्लोबल लेवल में अकाउंट्स एंड फाइनेंस प्रोफेशनल में इंडिया ऐसे ही बहुत अच्छा करता है, और चार्टर्ड अकाउंटेंट इसके लिए ज्यादा जाने जाते हैं वर्ल्ड वाइड। सीरियसली, इंडियन चार्टर्ड अकाउंटेंट इज वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट अकाउंटिंग बॉडी, एंड अगर नॉलेज वाइज देखा जाए, ये ग्लोबली बहुत ज्यादा रिकॉग्नाइजेबल है। सीरियसली, इवन CPA को भी हार मना सकते हैं, इतना नॉलेज इंडियन चार्टर्ड अकाउंटेंट रखता है। ये वर्ल्ड वाइड एक मतलब होता है ना सर, एक मान्यता मिलता है, तो वो इंडियन CA के लिए बहुत फेमस है, इंडियन CA वर्ल्ड वाइड। तो इसीलिए रिसेंटली कतार दिखाई दिया आप लोगों को, ये मिडिल ईस्ट का एक कंट्री है, बहुत ही रिच कंट्री है। कतार अपने बिजनेस का जो भी अकाउंट्स वगैरह होगा, उसका सर्विस इंडिया से लेना चाहता है, ठीक है। तो ये मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग रिसेंटली हुआ है, कल का ही बात है सर, ठीक है। ऐसे एक तरफ खबर है CA एग्जाम का लेके, IC आज सुप्रीम कोर्ट बताएगा क्या होगा नहीं होगा, जो भी हो, चलो उसमें बात करके कोई अभी फायदा नहीं है। होगा तो होगा, पोस्टपोन करेगा, एग्जाम तो होगा, पोस्टपोन करेगा, या फिर जो भी फैसिलिटीज मांग रहा है वो होगा। लेकिन ये भी एक साथ में खबर है कि कतार गवर्नमेंट के साथ इंडियन गवर्नमेंट का ये साइन हो रहा है कि यहाँ का चार्टर्ड अकाउंटेंट अकाउंटिंग सर्विसेज इनको देगा, ठीक है, एक्सपोर्ट करेगा बेसिकली अकाउंट्स एंड फाइनेंस सर्विस, अकाउंट्स एंड फाइनेंशियल जो डेटा है उसको एक्सपोर्ट करेगा सर्विस के थ्रू से, ठीक है। तो सर अगर आप एक्सपोर्ट करोगे तो बदले में आप इनसे पेमेंट लोगे, है ना, बदले में आप इनसे पेमेंट लोगे। सिमिलरली जब आप, अपोजिट भी हो सकता है, आप जब किसी से कुछ लेते हो, मतलब आप दूसरे से सर्विस लेते हो, तो वो आपके लिए क्या हो जाएगा। से फॉर एग्जाम्पल आप कतार से कुछ और चीजें ले रहे हो, तो बदले में आप उनको पेमेंट करोगे। तो सिंपल कह रहा है सर कि जब भी आप किसी को पेमेंट करते हो, दैट इज एक्सपेंस फॉर यू, ओके। तो ये फॉरेन पेमेंट जब भी आप करोगे, तो आप TDS काट के करो। अगर आप TDS काटोगे तो वो गवर्नमेंट का इनकम है, और अगर आप गवर्नमेंट का इनकम बिना ही किसी को पेमेंट कर देते हो, तो फिर वो पेमेंट आप अपने इंटरेस्ट एक्सपेंस के, मतलब एक्सपेंस के तौर पे कभी माइनस नहीं कर सकते। आप लोग बात को समझे सर। Any interest chargeable to tax under the Act, which is payable outside India, on which tax has not been paid or deducted at source. मतलब basically बिना TDS का outside of India payment कभी भी deduction के तौर पे, not just in other source, किसी भी जगह में नहीं मिलता है, ना तो salary में मिलता है, ना तो BP में मिलता है, ना तो CG में मिलता है, कहीं भी नहीं मिलता है ना सर। जो लोग पहले previous मतलब और भी बाकी heads किए होंगे उनको पता है, और जिन लोगों ने नहीं किया उनको बाद में और पता चल जाएगा। क्या बात है सर, ये सब तो cycle का process है, आगे आगे बढ़ते जाएंगे। बोलो सर, ये दोनों पॉइंट क्लियर है कि नहीं है? हाँ सर, क्लियर है, बोलो। है। देखो थर्ड पॉइंट में सैलरी में बात कर रहा था, सैलरी आ गया। एनी पेमेंट चार्जेबल टू टैक्स अंडर द हेड सैलरीज इफ इट इज पेबल आउटसाइड इंडिया, अगर आप किसी को इंडिया के बाहर सैलरी पे कर रहे हो, अनलेस टैक्स हैज बीन पेड देयर ऑन डिडक्टेड एट सोर्स। सैलरी आपके लिए एक्सपेंस है, अगर आप किसी को सैलरी पे करते हो तो क्या सैलरी आपके लिए एक्सपेंस है सर? ऑब्वियसली बिजनेस के तरफ से देखो तो सैलरी एक्सपेंस है, लेकिन अगर आप सैलरी पेमेंट कर रहे हो और बदले में TDS नहीं काट रहे हो, तो फिर वो एक्सपेंस भी आप डिडक्शन के तौर पे शो नहीं कर सकता। ऐसे सैलरी का ट्रीटमेंट सैलरी के साथ ही ज्यादा होता है, लेकिन अगर मानो कि अदर सोर्स के साथ भी कुछ कनेक्शन हो गया और आप सैलरी को माइनस करना चाहते हो पेमेंट के तौर पे, जैसे इंटरेस्ट हो गया ना, वैसे ही कुछ माइनस आप सैलरी को भी करना चाहते हो, तो वो भी नहीं कर सकते, बिकॉज वहां पर भी TDS का प्रॉब्लम हो गया। तो ये सेक्शन 58, सैलरी हो, सैलरी के साथ इंटरेस्ट हो, जो भी कनेक्टेड पॉइंट हो, वो आपको डिडक्शन लेने नहीं देगा। पर्सनल एक्सपेंस एंड बिना TDS का पेमेंट, पर्सनल एक्सपेंसेस एंड बिना TDS का पेमेंट पे कोई छूट नहीं है। बोलो सर, बोलो बोलो, समझ में आया कि नहीं, बोलो।
आई होप सर प्रोविजन क्लियर हो गया आप लोगों का भी, मतलब प्रोविजन जितना हम लोगों ने किया आप लोगों को समझ में आया। जैसे ये सब इलस्ट्रेशन तो हम लोगों ने सॉल्व कर लिया था ना सर, ये राहुल का क्वेश्चन सॉल्व हो गया था, शेयर मार्केट के बेस पे था, मतलब शेयर के बेसिस में था, है ना सर? हाँ सर। ये एक अच्छा क्वेश्चन था हम लोगों का। फिर एक क्वेश्चन था, अच्छा ये मुझे आज आप लोगों को समझाना पड़ेगा, टैक्स टीडीएस इंप्लीकेशन ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी और इनएडिक्वेट कंसिडरेशन, बहुत वाइटल है। आप लोग देखना, आप लोगों के पास नोट्स है, ये एक बहुत ही अच्छा डिस्कशन है, मैं आज अभी करूंगा आप लोगों से, ठीक है? अच्छा ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन था, एक बहुत अच्छा क्वेश्चन था जिसके अंदर सारा का सारा पॉइंट का डिस्कस किया गया था सर, मिस्टर ए बी के बीच में था, याद है सबको? हाँ सर, कैश गिफ्ट 75,000, बुलियन द फेयर मार्केट वैल्यू 60,000 का बर्थडे को मिल रहा था, फरीदाबाद में जमीन का था, हाँ याद आ रहा है? बोलो। हाँ बहुत अच्छा क्वेश्चन था सर, एक बार जरूर अच्छे से गो थ्रू करना, बहुत सारा पॉइंट वहां पर सॉल्व किया गया था। अच्छा ये मैं आप लोगों को घर में देखने के लिए बोला था, इसका आंसर भी मैंने दे दिया था कि अब देखो टैक्सेबिलिटी अदरवाइज, ये इस तरह का क्वेश्चन बहुत पूछते हैं सर एग्जाम में, ठीक है? डिस्कस दी टैक्सेबिलिटी, मतलब इस टाइप ऑफ एमसीक्यू क्वेश्चन के लिए बड़ा फेमस माना जाता है, टैक्सेबिलिटी और अदरवाइज ऑफ द फॉलोइंग इन द हैंड्स ऑफ रिसिपिएंट अंडरटेकन अंडर सेक्शन 56 सबसेक्शन 2 क्लॉज 10 इन द इनकम टैक्स एक्ट 1961। जैसे अखिल रिसीव्ड 75,000 इन कैश फ्रॉम नीस ऑफ अखिल, दैट इज डॉटर ऑफ अखिल सिस्टर्स, अखिल इज द कर्ता ऑफ द एचयूएफ, नितिशा अ मेंबर ऑफ हर फादर्स एचयूएफ, ठीक है, उसके पापा का एचयूएफ का मेंबर है, पापा कौन है? पापा एक्चुअली एचयूएफ का हेड है, मतलब कर्ता माना जाता है, ठीक है, नॉर्मल केस में। नितिशा मेंबर ऑफ हर फादर्स एचयूएफ ट्रांसफर ए हाउस प्रॉपर्टी टू द एचयूएफ विदाउट कंसिडरेशन, ट्रांसफर ए हाउस प्रॉपर्टी टू द एचयूएफ विदाउट कंसिडरेशन, द स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी इज 9 लाख। मिस्टर अक्षत रिसीव्ड 100 शेयर्स ऑफ ए लिमिटेड फ्रॉम हिज फ्रेंड एज अ गिफ्ट ऑन ऑकेशन ऑफ हिज 25th मैरिज एनिवर्सरी, द फेयर मार्केट वैल्यू ऑन दैट डेट वाज, फेयर मार्केट वैल्यू कितना है, फेयर मार्केट वैल्यू ऑन दैट डेट वाज 100 पर शेयर, ठीक है? ही हैज आल्सो रिसीव्ड, ही आल्सो रिसीव्ड ज्वेलरी ऑफ वर्थ रुपीज 45,000 फ्रॉम हिज नेफ्यू ऑन द सेम डे, ठीक है, ऑन द सेम डे। एंड ये क्वेश्चन था, और एक क्वेश्चन था किसान, किसान एचयूएफ, किसान एचयूएफ, जस्ट अ सेकंड, बड़ा कर लो, ठीक है, किसान एचयूएफ गिफ्टेड ए कार टू सॉन कोलकाता, ठीक है, किसान एचयूएफ गिफ्टेड ए कार, हाँ सर किशन है आई थिंक नाम, हाँ किशन ही तो बोल रहा हूँ, किशन या किशन जो भी हो वैसे छोड़ो, ठीक है, किशन बोलो, किशन बोलो, जो नाम है, सभी कृष्णा का नाम है, छोड़ो सर। तो किशन एचयूएफ गिफ्टेड ए कार टू सन ऑफ करता, टू सन ऑफ करता, किशन एचयूएफ, किशन एचयूएफ गिफ्टेड ए कार टू सन ऑफ करता फॉर अचीविंग गुड मार्क्स इन 12 बोर्ड एग्जामिनेशन, द फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द कार इज 5,25,000। मतलब ये एचयूएफ के तरफ से सन को दिया जा रहा है ना सर, कर्ता का बच्चा है, मतलब जो फैमिली हेड का सन है उनको गिफ्ट किया जा रहा है 5,25,000 का फेयर मार्केट वैल्यू में। तो आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है कि इसमें से कौन सा इनकम टैक्सेबल होगा, यही पूछा है ना आपको, अच्छा क्वेश्चन है सर, ऐसा क्वेश्चन भी बहुत पूछा जाता है, ठीक है, आपको बस टैक्सेबिलिटी के बारे में बात करना है। तो चलो सर एक एक करके देख लेते हैं, अगर आप लोगों ने घर में जरूर रीड किए होंगे, मैं फिर से एक बार रीड करा दे रहा हूँ, डोंट वरी सर, ठीक है, चलो जिसने, अगर किसी को भी कोई डाउट रह गया हो तो डाउट क्लियर हो जाएगा। 75,000 इन कैश फॉर नीस ऑफ अखिल, डॉटर ऑफ अखिल सिस्टर, अखिल इज द कर्ता ऑफ द एचयूएफ, तो क्या करें, 75,000 टैक्सेबल होगा कि नहीं होगा, क्या लगता है? 50,000 से ज्यादा, 50,000 से ज्यादा है ना, ये इस तरह का लॉजिक हम लोग पहले भी सॉल्व कर चुके हैं, वेरी गुड सर। देखो सर रीजन भी देके रखा है यहाँ पर, सम ऑफ मनी एक्सीडिंग 50,000 ना, 75,000 का गिफ्ट है कोई बात नहीं, बट 50,000 से ज्यादा है, और 50,000 से अगर एक रुपया भी ज्यादा होता है तो पूरा का पूरा अमाउंट टैक्सेबल होता है। रिसीव्ड विदाउट कंसिडरेशन, गिफ्ट है तो विदाउट कंसिडरेशन हो रहा है फ्रॉम ए नॉन रिलेटिव, ओके इट्स टैक्सेबल, रिलेटिव से होता तो फिर देख लेते, ठीक है, नॉन रिलेटिव है, 56 सबसेक्शन 2 क्लॉज 10, डॉटर ऑफ मिस्टर अखिल सिस्टर इज नॉट ए रिलेटिव ऑफ अखिल एचयूएफ सिंस ही इज नॉट ए मेंबर ऑफ द अखिल एचयूएफ, daughter of Mr. Akhil's sister is not a relative of Akhil HUF since she is not a member of Akhil HUF, मतलब आप लोगों को समझ में आया,
रिलेशनशिप कुछ समझ में आया आप लोगों को? क्वेश्चन को फिर से पढ़ो, रिलेशनशिप क्लियर है ना? अखिल एच यू हैव रिसीव्ड 75,000 इन कैश फ्रॉम नीस ऑफ अखिल, दैट इज डॉटर ऑफ अखिल सिस्टर. तो अखिल का सिस्टर का डॉटर थोड़ी ना इनके एच यू एफ का मेंबर बनेगा सर, वो तो अलग फैमिली मेंबर्स के हैं. तो जो अलग फैमिली मेंबर्स के हैं वो रिलेटिव्स कैसे हो गया? सेम फैमिली से तो हुआ नहीं, ठीक है? तो इसको नॉन रिलेटिव मानेंगे सर, ये बहुत दूर का रिश्ता हो गया, ठीक है? तो इसीलिए इसको हम लोग टोटल लेवल में गिफ्ट मानेंगे, मतलब इसको विदाउट कंसिडरेशन मानेंगे, और पूरा का पूरा अमाउंट यहाँ पर टैक्सेबल हो जाएगा. आप लोग एक सेक्शन को याद रखिएगा सर, हम लोगों ने यहाँ पर पढ़ते वक्त हम लोगों ने इसको बताया था, ये वाला पॉइंट, ये रिसीव्ड एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द एप्लीकेबिलिटी ऑफ सेक्शन 56 सबसेक्शन 2 क्लॉज 10. पहला वैल्यू पॉइंट ही बताया था, एनी सम ऑफ मनी और वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी रिसीव्ड फ्रॉम एनी रिलेटिव. अगर आप रिलेटिव से कुछ लेते हो तो वो एग्जेम्प्ट होता है सर, रिलेटिव से कुछ लेते हो तो वो एग्जेम्प्ट होता है. तो वही पॉइंट यहाँ पर चर्चा में के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. लेकिन ये तो रिलेटिव नहीं है सर, ये रिलेटिव नहीं है, ठीक है? इसीलिए इनका अमाउंट जो भी होगा ये टैक्सेबल माना जाएगा. अच्छा, फिर नेक्स्ट क्या था, पॉइंट क्या था? अच्छा क्वेश्चन था, आप लोगों ने घर में अगर पढ़े होंगे तो बहुत अच्छा किए होंगे. नितिशा ए मेंबर ऑफ हर फादर्स एच यू एफ ट्रांसफर्ड ए हाउस प्रॉपर्टी टू द एच यू एफ विदाउट कंसिडरेशन, द स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी इज 9 लाख, क्या टैक्स लगेगा इसमें? हाँ सर, नितिशा अपने पापा का एच यू एफ का मेंबर है, ट्रांसफर किया हाउस प्रॉपर्टी टू द एच यू एफ विदाउट कंसिडरेशन, ठीक है? वो हाउस प्रॉपर्टी ट्रांसफर किया अपनी फैमिली को, इसका स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू है 9 लाख, तो क्या इसको हम लोग ट्रीटमेंट में देंगे? नहीं होगा सर, फैमिली में भी ऐसा ही कुछ था ना. हाँ बोलो, जो टेस्ट लिए थे उसमें भी ऐसा कोई लाइन था. हाँ मैंने दिया था, ऐसा ही कुछ दिया था मैंने. इमूवेबल प्रॉपर्टी रिसीव्ड विदाउट कंसिडरेशन बाई ए एच यू एफ फ्रॉम इट्स रिलेटिव इज नॉट टैक्सेबल अंडर सेक्शन 56 सबसेक्शन 2 क्लॉज 10. इमूवेबल प्रॉपर्टी रिसीव्ड विदाउट कंसिडरेशन बाई ए एच यू एफ फ्रॉम इट्स रिलेटिव इज नॉट टैक्सेबल अंडर सेक्शन 56 सबसेक्शन 2 क्लॉज 10. नितिशा इज अ मेंबर ऑफ द एच यू एफ, सी इज अ रिलेटिव ऑफ एच यू एफ, एकदम फुल रिलेशन है, अपने ही पापा को फैमिली में दे रहा है घर, ठीक है? जिसका स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 9 लाख है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. इनकम फ्रॉम सच एसेट वुड बी इंक्लूडेड इन द हैंड्स ऑफ नितिशा, अगर उस एसेट से कुछ भी इनकम होगा तो वो नितिशा के हाथ में टैक्सेबल हो सकता है, बट ये ट्रांसफर जो है ये फैमिली के हाथ में, एच यू एफ के हाथ में तो कोई टैक्स नहीं लगेगा. मतलब ये 9 लाख का जो गेन, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू का जो गेन है, ठीक है, ये एच यू एफ के हाथ में तो किसी भी तरह का टैक्स लाइबिलिटी नहीं रखता है, इसलिए नॉन टैक्सेबल नील है. बोलो सर, क्लियर हो रहा है ना आप लोगों को? सभी को पूछना चाहता हूँ सर, क्लैरिटी आ रहा है? दित्सा, दित्सा, आस्था, क्लियर हो रहा है आप लोगों को भी? विशाल, प्रीति, आप लोग भी बताओ सर. यस सर. ओके सर. टैक्सेबल, अच्छा सॉरी, टैक्सेबल क्या दिखा रहा हूँ, क्वेश्चन देखना है. क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन क्या है, चलो क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट. मिल गया, मिस्टर अक्षत, अक्षत ही है ना? हाँ, मिस्टर अक्षत रिसीव्ड 100 शेयर्स, अक्षत रिसीव्ड 100 शेयर्स ऑफ ए लिमिटेड फ्रॉम हिज फ्रेंड एज अ गिफ्ट ऑन ऑकेशन ऑफ हिज 25th मैरिज एनिवर्सरी. द फेयर मार्केट वैल्यू ऑन दैट डेट वाज कितना है, 100 शेयर्स का 100 करके ना, 100 पर शेयर. He also received jewelry worth ₹45,000 from his nephew on the same day. क्या करे, 100 शेयर 100 करके कितना हो जाता है सर, 10,000. और nephew से मिल रहा है 45,000 का ज्वेलरी, टोटल मिलके हो जाता है 55,000. As per provision of section 56 subsection 10, in case the aggregate fair market value of the property other than immovable property received without consideration exceeds 50,000, तो क्या करे सर, पूरा का पूरा अमाउंट टैक्सेबल होगा? ज्वेलरी और शेयर्स दोनों ही इमूवेबल प्रॉपर्टी है, सॉरी मूवेबल प्रॉपर्टी है, है ना? ज्वेलरी और शेयर्स दोनों ही मूवेबल प्रॉपर्टी है,
तो मार्केट वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी अदर देन इमूवेबल प्रॉपर्टी रिसीव विदाउट कंसिडरेशन, ये विदाउट कंसिडरेशन मिला है, वो भी टोटल वैल्यू 50,000 क्रॉस किया है, द होल ऑफ द एग्रीगेट वैल्यू शैल बी टैक्सेबल। यहाँ पर शेयर और ज्वेलरी दोनों अलग नेचर का हो सकता है, लेकिन टोटल में आपको कितना मिल रहा है वो देखना जरूरी है। एग्रीगेट फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर 10,000 और ज्वेलरी है 45,000, और जो दोनों मिलके 50,000 क्रॉस कर रहा है, हेंस द एंटायर अमाउंट ऑफ 55,000 शैल बी टैक्सेबल। अब लोग क्लियर हो गया ना सर, क्योंकि ये एकदम स्टार्टिंग वाला 56 सबसेक्शन 2 क्लॉज 10 का ही एकदम पहला दो तीन पॉइंट में ही इसके बारे में बोला गया है सर, ये वाला देखो। क्योंकि जब मूवेबल प्रॉपर्टी होगा तो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू का कॉन्सेप्ट आ जाता है, पर इमूवेबल प्रॉपर्टी के केस में ये देखो, मूवेबल प्रॉपर्टी है विदाउट कंसिडरेशन, ये वाला केस लग रहा है, ठीक है। अब मूवेबल प्रॉपर्टी अगर इनएडिक्वेट होगा तो फिर उस पर फिर से ये देखना पड़ेगा, ये वाला कॉन्सेप्ट आ जाता है। तो बस हमें कॉन्सेप्ट वाइज चलना है सर, जो भी प्रोविजन है उसी के हिसाब से अगर रहेंगे ना, तो हम लोग किसी भी तरह का सवाल करें तो हम लोग उसका जवाब भी बता सकते हैं और रीजन भी बता सकते हैं। और एक क्वेश्चन था वो भी देख ले सर, किशन, यही बोला ना, किसान या किशन जो भी बोलो, किशन एचयूएफ गिफ्टेड ए कार टू सन ऑफ कर्ता फॉर अचीविंग गुड मार्क्स इन 12 बोर्ड एग्जामिनेशन, द फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द कार 5,25,000, क्या करें सर इसको, टैक्सेबल होगा? रिलेटिव्स, फैमिली में ही हो रहा है, फैमिली में हो रहा है ना, अपने ही घर में चल रहा है खेल, क्यों टैक्सेबल होगा? कार इज, पहला बात, कार इज नॉट इंक्लूडेड इन द डेफिनेशन ऑफ प्रॉपर्टी फॉर द पर्पस ऑफ सेक्शन 56 सबसेक्शन 2 क्लॉज 10, ये बात पहले याद रख लो सर, देयरफॉर द सेम शैल नॉट बी टैक्सेबल। ये पहला बात है कि कार प्रॉपर्टी के डेफिनेशन में ही नहीं आता है 56 सबसेक्शन 2 क्लॉज 10 में, इसीलिए ये प्रॉपर्टी के डेफिनेशन में नहीं आता तब तो फिर इसमें टैक्स किस बात का, तो फिर ये नहीं होगा, और ऊपर से रिलेटिव से भी ले रहा है एक ही फैमिली के अंदर, ठीक है, वो भी रीजन है, तो ये नील हो गया। तो ये सब रीजन के साथ आप लोगों ने इसका जवाब ढूंढ लिया, ठीक है। ये क्वेश्चन मिस्टर हरी, और ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों को बोला था एक बार गोथ्रू करने के लिए, मैं आज आप लोगों को इसको समझा दूंगा। आप लोगों ने गोथ्रू किया था सर मिस्टर हरी और इसका खेल राजेश का? अच्छा क्वेश्चन था सर, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, मैं समझा दूंगा फिर से एक बार, क्योंकि अच्छा है और हो सकता है कि किसी किसी को समझ ना आए होंगे। ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा मुझे बताओ सर, ट्राई करो ना, तो थोड़ा इंटरेस्ट ऑन एनहेंस्ड कंपेंसेशन रिसीव्ड बाय मिस्टर जी ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 2020-21 इज ₹5,00,000, आउट ऑफ दिस इंटरेस्ट ₹1,50,000 relates to the previous year 2017-18 and 1,65,000 relates to the previous year 18-19 and 1,85,000 relates to previous year 19-20. Discuss the tax implication if any of such interest income for assessment year 2021-22. Try karoge sir? Enhanced interest ka khel bata ja raha hai sir. क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया सर, बोलो फिर मैं बताता हूं, बोलो तो सर, आप लोगों का हाँ ना बहुत वाइटल है मेरे लिए। क्वेश्चन तो समझ आ गया सर, अब हम लोगों को क्या बोला है सर, इंटरेस्ट ऑन एनहांस कंपेंसेशन मिस्टर जी ने रिसीव किया। अब एनहांस कंपेंसेशन तो आप लोग समझ ही गए हो ना, ये कंपेंसेशन अगर कभी एनहांस करके, मतलब एनहांस का मतलब क्या, जब बढ़ा जाता है, ठीक है, तो अगर आपको कितना मिल रहा है 2020-21 को 5,00,000, आउट ऑफ दिस इंटरेस्ट 1,50,000 रिलेट्स टू द प्रीवियस ईयर 17-18, 1,65,000 रिलेट्स टू प्रीवियस ईयर 18-19 एंड 1,85,000 रिलेट्स टू 2019-20। आपको पूछा जा रहा है टैक्स इम्प्लीकेशन बताओ उस पर्टिकुलर इंटरेस्ट इनकम का, तो क्या करना चाहिए सर? एनहांस कंपेंसेशन के बारे में प्रोविजंस क्या बताता है, चलो एक बार प्रोविजन से घूम के आते हैं, पढ़ चुके हैं हम लोग, आप लोग भूल चुके हो, बोलो सर क्या करें, एनहांस कंपेंसेशन में कितना डिडक्शन लेंगे? 50%। थैंक यू सर। आप इंटरेस्ट ऑन एनहांस कंपेंसेशन जितना भी रिसीव करते हो, क्या पुराना मिला है सब छोड़ो, लेकिन आपको कितना मिल जाएगा इस बार के लिए, 50% ऑफ सच इंटरेस्ट इनकम, यही आपका मेन पॉइंट है, ठीक है, 50% ऑफ सच इंटरेस्ट इनकम। तो चलो सॉल्व कर लो सर, सॉल्व कर लो।
ठीक है, मतलब सिंपल है, 5 लाख से 2.5 लाख चला जाएगा, 2,50,000 माइनस हो जाएगा, तो अल्टीमेटली इंटरेस्ट चार्जेबल आधा सोर्स हो जाएगा 2,50,000, बाकी पॉइंट बस देके रखा है। समझ में आ गया ना? यस सर। चलो सर कर लो इसको। तो सर हाँ बोलो सर। मतलब वो जो प्रीवियस 3 इयर्स का जो डिटेल दिया था उससे कोई काम नहीं है। इससे कोई काम नहीं है, बिकॉज प्रोविजन हमें ये से बताते नहीं है। आपको इंटरेस्ट मिला है एनहांस कंपनसेशन का जो 2020-21 का बोला है 5 लाख का, इसमें से आउट ऑफ दिस इंटरेस्ट 1,50,000 तो रिलेट करता है आपका पुराना, ठीक है, 17-18 के लिए, 1,65,000 18-19 के लिए, 1,85,000 2019-20 के लिए, लेकिन आपको 5 लाख इस बार मिला है ना, ठीक है, मतलब आप इंटरेस्ट रिसीव कर रहे हो, किस तरह से रिसीव कर रहे हो, एनहांस मिल रहा है, मतलब आपको बढ़ा हुआ मिल रहा है, मतलब सभी पुराना डेटा को मैच करा के आपको एक बार में 5 लाख मिल रहा है, ठीक है, जब मिल रहा है मिलने दो, जब भी 5 लाख मिलता है इसमें से आप माइनस कर दो 50% डिडक्शन के तौर पे, ये ट्रीटमेंट आपको बता रहा है, तो 5 लाख का 50% 2.5 लाख, ये आप बाकी अमाउंट आपका हो जाएगा आधा सोर्स का इनकम, मतलब रिलेटेड है, मतलब बेसिक पॉइंट है कि ये सभी तो कनेक्ट तो कर रहा है, अगर आप थोड़ा सा ऐड करके देखो तो कितना कितना हो रहा है, क्या ज्यादा हो जा रहा है क्या, 5 लाख से 1.5 लाख, 5 लाख ही है। 5 लाख ही हो रहा है ना, 1,50,000, हाँ 1,65,000, 1,85,000, अल्टीमेटली सब मिलके ही 5 लाख आपको मिल रहा है, ठीक है, तो आपको अभी पूछा है कि असेसमेंट या 2021-22 में इसका ट्रीटमेंट बताओ, बस 21-22 का ट्रीटमेंट में आपको 50% माइनस करके बताना होगा और कुछ नहीं, प्रोविजंस आपको वही बताया है, तो बस तो सर टैक्स में। एक ऐसा नहीं हाँ सोच सकते कि प्रीवियस ईयर में हम लोग तो प्रीवियस ईयर का ही कैलकुलेट करते हैं ना इनकम, तो उस क्वेश्चन में तो मेंशन कर दिया कि इंटरेस्ट ऑन एनहेंस कंपनसेशन प्रीवियस ईयर में 5 लाख रिसीव किया, तो हाँ आप फर्स्ट लाइन में ही क्लियर हो गया कि वो 5 लाख पे ही करना है। यस इस 5 लाख पे ही तो कर रहे हैं, ये 2021 में आपको मिल रहा है ना, तो आप अभी 2021 आपका प्रीवियस ईयर है और आपका असेसमेंट ईयर क्या है, 2021-22, दिस इज योर असेसमेंट ईयर एंड दिस इज योर प्रीवियस ईयर, तो आप 2021-22 पे किस चीज का हिसाब करते हो, जो 2021 में आपको मिला उसी का हिसाब करते हो ना, प्रीवियस ईयर 2021 इसका असेसमेंट कब करोगे, 2021-22 में, तो इसलिए जो 5 लाख आपको अभी 2020-21 में मिला था उसका टैक्स इम्प्लीकेशन कब होगा, 21-22 में, उसका टैक्स टैक्स इम्प्लीकेशन 2021-22 में ही तो होगा, और वही तो हो रहा है सर, और जो पुराना डेटा है जो रिलेट करता है, ये डेटा आपके लिए अभी रिलेवेंट है, क्योंकि ये सभी आपको 5 लाख के अंदर ही छुप गया है, तो फिर ये तो आप आराम से इसको इग्नोर कर सकते हो, बिकॉज वो जब इससे पहले का जो ईयर था उस टाइम पे जो सिचुएशन था उसके हिसाब से डिपेंड था, आपको करेंटली 21 और 22 में इंटरेस्ट इनकम का क्या टैक्स इम्प्लीकेशन होगा ये पूछा है, तो आपका फोकस 21-22 के लिए रहना चाहिए, क्योंकि आपने तो 5 लाख का जो रिसीव किया वो तो 2021 में ही रिसीव किया ना। यस सर। समझ आया कि नहीं आया, बोलो, ज्यादा कॉम्प्लेक्स मत सोचो, जितना सिंपल हो सकता है अभी उतना सिंपल सोचो, फिर जब कॉम्प्लेक्स सिचुएशन क्रिएट होगा तब कॉम्प्लेक्स सोचना, ठीक है, बोलो ज्योति, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ बात, हाँ सर हो गया ओके, तो आप जस्ट ऐसे सॉल्व कर लो इसको, इलस्ट्रेशन 5 था, सर। बोलो सर। सर लेस डिडक्शन 2,50,000 यस सर, डिडक्शन 2,50,000, द और एंटायर, 2,50,000 हाँ आधा बोलो, सोर्स हो जाएगा, यस 2,50,000 बाकी टू डिडक्शन देके आधा सोर्स होगा, यस बाकी 2,50,000 आधा सोर्स होगा डिडक्शन देने के बाद, द एंटायर इंटरेस्ट, आप लिखो तो सही, मैं दिखा रहा हूं, देखो द एंटायर इंटरेस्ट ऑफ 5 लाख वुड बी टैक्सेबल इन दी ईयर ऑफ रिसिप्ट, कॉन्सेप्ट समझो, जब आप रिसिप्ट करते हो तभी आप जिस साल रिसिप्ट करते हो उसी साल में इसका टैक्स देना पड़ेगा, तो हमारे यहाँ पर रिसिप्ट साल क्या है सर, रिसिप्ट किस साल में कर रहे हो,
5 लाख कब रिसीव हो रहा है सर? प्रीवियस ईयर 2021, तो ये एक्चुअली ये प्रीवियस ईयर 2021 का ही टैक्स इम्प्लीकेशन है, तो 2021 में थोड़ी ना टैक्स लगेगा, टैक्स उस पर अट्रैक्ट होता है, टैक्स दोगे 2021-22 में जो असेसमेंट ईयर पे टैक्स दोगे, तो वही बात हो रहा है सर। आप एक पर्टिकुलर बना लो और एक अमाउंट दे दो, और पर्टिकुलर में आप सिंपल लिख दो इंटरेस्ट अर्नड अर्नड, छोड़ो देखो इंटरेस्ट ऑन एनहांस्ड, इंटरेस्ट ऑन एनहांस्ड कंपेंसेशन अंडर सेक्शन 56 सबसेक्शन 2 क्लॉज 7 ना सर, क्लॉज 7 या 8 है, 8 है मोस्ट प्रॉब्ली, क्लॉज 8 ही होगा, इंटरेस्ट एनहांस कॉम्पेंसेशन के बारे में क्लॉज 8 में बोला गया है, ये वाला 8, ये मिला है सर। इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन कॉम्पेंसेशन और एनहांस कॉम्पेंसेशन डीम्ड टू बी द इनकम इन द ईयर ऑफ रिसीव्ड एंड टैक्सेबल अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, ठीक है, लेकिन आपको डिडक्शंस भी मिल रहा है, लेकिन आपको डिडक्शंस भी मिल रहा है, ठीक है, तो पहले तो आप इनकम को देखो उसके बाद डिडक्शंस के बारे में सोचना। तो इंटरेस्ट ऑन एनहांस कंपेंसेशन अंडर सेक्शन 56 सबसेक्शन 2 क्लॉज 8 5 लाख, यस ना 5 लाख, और इस 5 लाख में से आप डिडक्शन कितना कर दोगे, लेस डिडक्शन अंडर सेक्शन 57 सबसेक्शन 4 एट द रेट कितना 50%, तो 2,50,000 ये आपको मिल रहा है सर, ये आपको मिल रहा है, बेनिफिट है आपके लिए। तो अल्टीमेटली जो इनकम आपको 5 लाख लग रहा था वो इनकम आपको 2.5 लाख हो गया, जिसको हम लोग बोलेंगे इंटरेस्ट चार्जेबल, मतलब ये जो इंटरेस्ट है ये चार्जेबल कहाँ है, अंडर द हेड, अंडर द हेड IFOs, अंडर द हेड IFOs, दैट इज इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। बोलो सर, यही है कॉन्सेप्ट और कुछ नहीं है, क्लियर है कि नहीं है? Yes, okay. तथा विशाल बोलो सर, समझ में आया? जियाउल? Yes, sir. Okay. हाँ, सर. मतलब जो भी हम लोग प्रोविजंस पढ़ रहे हैं उसी प्रोविजंस को ही हमें यूज करना पड़ रहा है और कुछ नहीं है सर, टैक्स इज ऑल अबाउट प्रोविजंस। अगर आप प्रोविजंस को ध्यान से पढ़ते हो, समझ के पढ़ते हो, तो फिर आपका आधा से ज्यादा काम तो वहीं पर आप जीत जाते हो, बाकी और थोड़ा लड़ाई क्वेश्चन करके थोड़ा प्रैक्टिकलिटी जैसे मिल जाता है। तो ये अच्छा क्वेश्चन था, हो गया। अच्छा अच्छा मुझे आप लोगों को एक कॉन्सेप्ट समझाना पड़ेगा ना, एक कॉन्सेप्ट समझाना पड़ेगा, रुको रुको सर रुको, वो कॉन्सेप्ट कहाँ चला गया, मेरे पास था तो अभी मैंने रखा था यहाँ पर, अरे ये वाला कॉन्सेप्ट रे बाबा, ये वाला कॉन्सेप्ट जब लोगों को मैंने देखे रखा, देखो वो TDS विदाउट कंसिडरेशन का एक फ्लो चार्ट नहीं बना हुआ है समरी नोट्स के अंदर, इसको बताना पड़ेगा, लेकिन इसको तो मैं यहाँ पर घुमा नहीं सकता, कहाँ चला गया ये वाला, इसको मैं यहाँ पर घुमा नहीं पाऊंगा, जस्ट रुको सर 2 मिनट्स, दो सेकेंड रुको सर, 2 सेकेंड हो गया, 2 सेकेंड हो गया, अच्छा होने दो 2 सेकेंड, मैं अभी आता हूँ, अभी आता हूँ, कहाँ चला गया मेरा वो वाला, जस्ट अ सेकेंड,
सर देखो तो कुछ दिखाई दे रहा है आप लोगों को स्क्रीन में? हाँ स्क्रीन में सर, कुछ शो कर रहा है? यस सर। ओके सर, चलो सर देखते हैं कि ये क्या है। ये क्या है? टैक्स टीडीएस इम्प्लीकेशन ऑन ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी फॉर इनएडिक्वेट कंसिडरेशन। मतलब बेसिकली टैक्स और टीडीएस तो एक ही कॉन्सेप्ट होता है, मतलब पहले टैक्स काट लो तो फिर उसको टीडीएस कहते हैं। सिंपल, टीडीएस का फुल फॉर्म क्या है बाद में हम लोग टीडीएस का चैप्टर भी करेंगे सर। टीडीएस मतलब होता है टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, ठीक है? मतलब सोर्स में ही अगर आप टैक्स काटा जाए तो उसको टीडीएस कहते हैं, ठीक है? अच्छा, टैक्स रिलेटेड एक बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट एक अपडेटेड न्यूज है, बताओ तो आप लोगों को सर, भूल जाऊंगा बाद में। टैक्स रिलेटेड एक बहुत इंस्पायरिंग न्यूज है, आप लोगों ने देखा होगा किसी ने भी, ये अपना राष्ट्रपति जानते हैं ना सर आप लोग, रामनाथ कोविंद को। रामनाथ कोविंद जी, रामनाथ कोविंद कुछ बोले थे इसी के। रामनाथ कोविंद जी ने अपना गांव में गए थे सर, उसका जो गांव है ठीक है, उनके जो गांव है उन गांव में गया था वो। मोस्ट प्रोबली गांव का नाम है कुछ झिंचैक गांव का नाम है उनका, यूपी में है। तो वहां पर कोई रेलवे स्टेशन में कोई प्रोग्राम था तो उसके लिए उन्होंने गया था। तो वहां पर उन्होंने कहा कि जो रियल है वही तो बताएगा। इनका सैलरी है सबसे ज्यादा सैलरी है, जानते हो ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय का सबसे ज्यादा सैलरी यही है। आप लोगों को बता दो सर, हमारे देश का सबसे ज्यादा सैलरी गवर्नमेंट लेवल में 5 लाख पर मंथ, ठीक है? तो आई पे रुपीज 2.75 लाख टैक्स ऑन रुपीज 5 लाख सैलरी, समझ सकते हो आप लोग? तो बेसिकली ये कहना चाह रहा है कोविंद जी कि मैं भी टैक्स पे करता हूँ और आप भी टैक्स पे करो, बिकॉज अल्टीमेटली टैक्स ही है जो देश को बनाता है, ठीक है? बिकॉज विदाउट टैक्स कोई भी कंट्री नहीं ग्रो कर सकता। तो इसी के लिए उन्होंने कहा कि एक कानपुर के पास एक गांव है, गांव का नाम झिंचैक है सर, मैं जितना पढ़ा था मुझे जितना याद है। प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद व्हाइल विजिटिंग द विलेज सेड पेड टू पेड ऑलमोस्ट 55% ऑफ हिज मंथली सैलरी एज इनकम टैक्स। However, many pointed out that social media that president income is not taxable and that even the highest income tax paid by such a rich, including sales and surcharge on income of rupees 5 crore as a year, works at 42.7%. ठीक है, तो बहुत जन ने बोला, but everyone knows and there is nothing wrong about it that the president is the country's highest paid employee, but he too pay taxes. मतलब highest paid employee है, but वो भी tax pay करते हैं. 2.75 lakh tax per मतलब month. Everyone says I get 5 lakh a month, but it tax too. Now how much does that leave me with? Our officials earn more than that what I save. Teachers earn the most, he said. जो भी हो, मतलब जो गवर्नमेंट टीचर्स है उनके बारे में बोला। तो बेसिकली वो लोगों को बताया जा रहा है कि सर टैक्स पे करो, इसके बारे में कल उन्होंने बताया। तो मुझे लगा कि आप लोगों के साथ शेयर कर देना चाहिए एक बार बात को, इसलिए मैंने आपको शेयर किया। अपने गांव में कानपुर के पास जो जिस गांव में उन्होंने पला बड़ा था, वो एक बहुत अच्छा बात भी बोला कि एक सिंपल सा गाँव का लड़का कभी देश का राष्ट्रपति बन सकता है, इसके बारे में भी उन्होंने कभी सोचा नहीं था, कभी नहीं सोचा था कि ऐसा भी कभी दिन आ सकता है। तो एक चीज बहुत अच्छा बोला कि ये इंडिया का डेमोक्रेटिक सिस्टम ही है ना सर, ये हमारे देश का डेमोक्रेटिक सिस्टम ही है जो आज की डेट में कोई भी देश का मतलब हाईएस्ट लेवल में जाने का सोच सकता है और कर भी सकता है। ये तो मैं भी मानूंगा कि डेमोक्रेटिक सिस्टम के लिए ही ये पॉसिबल हुआ। जैसे वो एक कहानी था ना सर, एक कथा है, वो अपना ऋतिक रोशन भी उस मूवी में बहुत अच्छे से यूज किया है। तो कथा ऐसा है कि क्या है कथा बोलो ना, राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, राजा वो बनेगा जो हकदार है ना। सुना है आप लोगों ने डायलॉग? है दादा, राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा सर, राजा वो बनेगा जो हकदार है। एग्जैक्टली, कोई एक पर्टिकुलर फैमिली पूरा देश चलाइए अच्छा बात नहीं है ना सर, कभी भी अच्छा नहीं है। ना तो देश चलाना अच्छा चाहिए, ना तो स्टेट चलाना अच्छा चाहिए, फैमिली का कहाँ कहाँ से आ जाता है किरदार, सभी के लिए है देश। ओके चलो सर, टैक्स टीडीएस इम्प्लीकेशन ऑन ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी फॉर इनएडिक्वेट कंसिडरेशन। अच्छा देखो, अगर कंसिडरेशन इनएडिक्वेट है तो फिर इमूवेबल प्रॉपर्टी ट्रांसफर के टाइम पे क्या टीडीएस और टैक्स का इम्प्लीकेशन हो जाता है? तो यहाँ पर दो कॉन्सेप्ट आता है, इन द हैंड्स ऑफ सेलर एंड इन द हैंड्स ऑफ बायर। तो पहले सेलर के तरफ से देख लेते हैं। जब सपोज मानो कि आप मानो कि जियाउल, चलो हमारे पास जियाउल है ठीक है,
ओके, एक जिया है एक तरफ, जियाउल, और एक तरफ किसको ले लूँ, किसको ले लूँ, चलो अपना तौथा को ले लेते हैं, तौथा। ठीक है, तो जियाउल का प्रॉपर्टी है तौथा बायर है। ठीक है, अब चलो देखते हैं कि क्या होगा। तो जियाउल तो सेल कर रहा है, ठीक है, इफ लैंड एंड बिल्डिंग आर हेल्ड एज स्टॉक इन ट्रेड। तो जियाउल अगर तू लैंड बिल्डिंग का क्या करता है, धंधा करता है, धंधा वर्ड इज साउंड बैड बट अगर मैं सिंपल बोलूँ कि ट्रेडिंग करता है, तो उस चीज का मतलब जमीन खरीदा बेचना तेरा काम है, चलेगा? जियाउल गुस्सा तो नहीं कर रहा है मेरे ऊपर? नो सर, इफ लैंड एंड बिल्डिंग आर हेल्ड एज स्टॉक इन ट्रेड, तो फिर ये बिजनेस इनकम हो जाएगा ना सर। तो इसके लिए सेक्शन 43C A आपके लिए अट्रैक्ट होता है, तो जो बीपी में चला जाएगा सर। ठीक है, वो बिजनेस इनकम है। जब आप स्टॉक इन ट्रेड की तरफ से काम करते हो तो फिर आपका ये इनकम बीपी इनकम हो जाएगा, बिजनेस एंड प्रोफेशन में चला जाएगा, इसलिए सेक्शन 43C A का जिक्र किया यहाँ पर। ठीक है, बट अगर जियाउल लैंड एंड बिल्डिंग का धंधा नहीं करता है, दैट मीन्स बिजनेस नहीं करता उस चीज का, तब उसके लिए अगर लैंड एंड बिल्डिंग उसके लिए क्या माना जाएगा सर? बोलो सर, कॉमन सेंस है, कैपिटल एसेट माना जाएगा। किस तरह का एसेट माना जाएगा सर? कैपिटल एसेट। अब हर कैपिटल एसेट नहीं होता, ठीक है, बट एसेट मतलब आप लोग जानते हो, जो लोग कैपिटल एसेट कैपिटल गेन करके आए हो, कैपिटल एसेट का मतलब क्या होता है? ठीक है, जिन लोगों ने नहीं किया मैं उनको इतना बोलूंगा कि सर आप लोग बाद में कैपिटल गेन जब पढ़ोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा, बट इतना समझ के रखो कि आपके पास कोई जमीन है, वो अगर आप बेचते हो तो आपके लिए, आप उसका धंधा नहीं करते, इन सिंपल, आप जमीन का या बिल्डिंग का धंधा नहीं करते, आप कोई बेसिंपल बात है, धंधा धंधा कौन करता है? जैसे कि डीएलएफ, जैसे कि यूनिटेक, सही बोल रहा हूँ ना नाम? यूनिटेक, डीएलएफ, ये सब क्या बात करता है? ये सब प्रोमोटर है, ये सब बड़े बड़े प्रोमोटिंग कंपनीज है। ठीक है, और भी बहुत है, ठीक है, हमारे आसपास में बहुत दिखेगा, बट अगर आप लैंड बिल्डिंग का प्रोमोटर हो, उसको सेल वगैरह करते हो, तब अलग बात, तब आपके लिए 43C A विल अप्लाई। बट अगर आपके पास ऐसा कोई बात नहीं है, सिंपल लैंड बिल्डिंग होल्ड करके रखे हो, तो कैपिटल एसेट है, देन आपके लिए सेक्शन 50C विल अप्लाई, कैपिटल गेन का सेक्शन आ जाएगा फिर। नाउ कहता क्या है सर, अगर आप सेलर हो तो आपके लिए दो तरह का कॉन्सेप्ट हो जाएगा, अगर बीपी में आएंगे तो फिर बीपी में आपका टैक्स इंप्लीकेशन कैसा हो जाएगा? सर, इज डेट ऑफ एग्रीमेंट डिफरेंट फ्रॉम द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन? याद होगा जिन लोगों ने बीपी पढ़ा है वहां पर मैंने बोला था, ठीक है, इज डेट ऑफ एग्रीमेंट डिफरेंट फ्रॉम द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन? अगर येस है और अगर नो है, अगर डेट ऑफ एग्रीमेंट और डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन का डेट अगर अलग है तो फिर कहते हैं एसडीवी, मतलब स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ऑन द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन मे बी टेकन एज द फुल वैल्यू कंसिडरेशन। इफ स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू एक्सीड्स 110% ऑफ द एक्चुअल कंसिडरेशन, इफ स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू एक्सीड्स 110% ऑफ द एक्चुअल कंसिडरेशन, मतलब अगर 10 लाख है तो 10 लाख का 110% करना, अगर वो क्रॉस कर जाता है स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू, क्या कहते हैं सर? अगर कंसिडरेशन का कंसिडरेशन से स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 110% से ज्यादा है, इफ कंसिडरेशन वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन इफ एसडीवी एक्सीड्स फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, इफ एसडीवी एक्सीड्स 110% ऑफ द एक्चुअल कंसिडरेशन, तो फिर क्या हो जाएगा कि जो कंसिडर मतलब जो एक्सीड करेगा 110% जो वैल्यूएशन होगा वो वाला अमाउंट आपका टैक्सेबल होगा। सर समझ में नहीं आएगा, डोंट वरी सर, ये हम लोगों ने बीपी में और कैपिटल गेन में ऐसा कॉन्सेप्ट हम लोगों ने पढ़ के रखा है, जिन लोगों का नहीं हुआ वो बाद में पढ़ेगा सर, डोंट वरी, लेकिन मुझे यहाँ पर बोलना जरूरी इसलिए हो गया क्योंकि ये आदर सोर्स के साथ कुछ कनेक्शन है। फिर अभी आदर सोर्स समझ लो, जिनका बीपी बीपीसीजी नहीं हुआ है वो आदर सोर्स समझ लो, बाद में ये समझ लेना, और जिनका ये होके रखा है वो दोनों समझ लेना, कोई बात नहीं। तो पॉइंट क्या है, 43CA अप्लाई होगा, और अगर एग्रीमेंट डेट और रजिस्ट्रेशन डेट अलग है तो फिर स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ऑन द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन में टेकन एज फुल वैल्यू कंसिडरेशन, अगर स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 110% ऑफ द एक्चुअल कंसिडरेशन से एक्सीड करता है, मतलब ज्यादा होता है। सर अगर डेट ऑफ एग्रीमेंट और डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन सेम है तो फिर क्या होगा जियाउल तुम्हारे लिए? फिर तुम्हारे लिए होल और पार्ट ऑफ द कंसिडरेशन रिसीव, जितना पूरा का पूरा या पार्ट कंसिडरेशन जो भी आप रिसीव कर रहे हो, किसके थ्रू से? अकाउंट पे चेक, बैंक ड्राफ्ट, ECS, बैंक थ्रू सच अदर प्रिस्क्राइब इलेक्ट्रॉनिक मोड, मतलब बेसिकली जिसका प्रूफ बहुत ही ऑनलाइन में बैंक के पास होता है, ठीक है, अगर आप ये मोड से रिसीव कर रहे हो पैसा, ठीक है, तो फिर इन दैट केस ये येस हो गया, तो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ऑन द डेट ऑफ एग्रीमेंट में बी टेकन एज द फुल वैल्यू कंसिडरेशन, इफ सच स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू एक्सीड 110% ऑफ द एक्चुअल कंसिडरेशन।
अगर यस है तो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ऑन द डेट ऑफ एग्रीमेंट में बी टेकन एज द फुल वैल्यू कंसिडरेशन, अगर स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू एक्चुअल कंसिडरेशन का 110% को क्रॉस करता है, मतलब 100 के जगह अगर 110 होता है, 100 का वैल्यू अगर 110 हो जाए तो फिर जो होगा 10 लाख के जगह अगर 10 लाख का 110% हो जाए तो वो अमाउंट लिया जाएगा। सिंपल बात है, आप ज्यादा मैटर को कॉम्प्लेक्स ना सोचो, बाद में जब कैलकुलेशंस करोगे ना कैपिटल गेन में और बीपी में तो क्लियर हो जाएगा सर। ऐसे याद है जो लोग कैपिटल गेन पढ़े थे उनको इस तरह का कॉन्सेप्ट समझा गया था। हाँ सर याद आ रहा है आप लोगों को? उसमें भी चार्ट था। एग्जैक्टली सर, पूरा चार्ट था उसमें भी। तो ये सेलर के पर्सपेक्टिव से बात हो रहा है। तो अगर आप बायर हो, सॉरी सेलर हो, तो अगर आप स्टॉक इन ट्रेड करते हो तो सेक्शन 43CA आपके लिए एप्लीकेबल होता है, और अगर आप कैपिटल एसेट सेल करते हो तो 50C एप्लीकेबल होता है। बट अल्टीमेटली दोनों का ट्रीटमेंट सेम जगह में जा रहे हैं, आप देख पा रहे सर। अगर आप कैपिटल एसेट की तरफ से भी सोचो तो ट्रीटमेंट जो है, और अगर आप स्टॉक इन ट्रेड की तरफ से भी सोचो 43CA, तो सेम ट्रीटमेंट जा रहा है सर। इज डेट ऑफ एग्रीमेंट एंड डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन सेम है? अगर आंसर यस है तो फिर आपका अंतिम जवाब यहां पर जा रहा है, और अगर आपका पेमेंट इलेक्ट्रॉनिक मोड से है तो यस तो इधर, और अगर नहीं है तो फिर अल्टीमेटली फिर से इधर। समझ में आया सर? 43CA एंड सेक्शन 50C किस तरह से कनेक्टेड है एक दूसरे के साथ, एक बीपी सेक्शन में जाते हैं और एक सीजी सेक्शन में जाते हैं। बोलो सर, प्रोविजन समझ में आया तो इतना बता दो, बाकी तो सर कैपिटल गेन में क्वेश्चन में भी हम लोगों ने किया है, जिनका नहीं हुआ वो बाद में करेगा, कोई बात नहीं। बट क्लियर है कि नहीं कॉन्सेप्ट बताओ, या मैं मुझे फिर से बताना पड़ेगा? अगर किसी को डाउट है ना तो यही चीज में डाउट हो सकता है कि सर ये एसडीबी और 110% का कैलकुलेशन बताओ, तो फिर मैं वो तो मैं सर आप लोगों में कैपिटल गेन क्वेश्चन जब करवाया था वहीं पर करवाया था, मैं फिर से जब करवाऊंगा ना तब फिर से बता दूंगा जिनका नहीं हुआ है कैपिटल गेन, ठीक है। बट अल्टीमेटली दोनों केस में प्रोविजन सेम टू सेम जा रहा है सर, ठीक है। 43CA 50C, डेट ऑफ एग्रीमेंट और डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन सेम है? अगर हाँ है तो होल और पार्ट ऑफ द कंसिडरेशन रिसीव्ड, ठीक है, अकाउंट पे ही, बैंक ड्राफ्ट, DCS, जो भी मोड आप इलेक्ट्रॉनिक मोड से ले रहे हो, अगर हाँ है तो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ऑन द डेट ऑफ एग्रीमेंट में बी टेकन एज द फुल वैल्यू कंसिडरेशन, अगर स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू एक्सीड्स 110% ऑफ द एक्चुअल कंसिडरेशन, ठीक है सर। अगर डेट ऑफ एग्रीमेंट और डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन अलग है, मतलब सेम डेट पे नहीं है, तो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ऑन द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन में टेकन एज फुल वैल्यू कंसिडरेशन इफ स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू एक्सीड्स 110% ऑफ द एक्चुअल कंसिडरेशन। और अगर ये भी ना है, मतलब अगर आप अकाउंट पे ही चेक वगैरह से नहीं कर रहे हो, तो फिर ये वाला एप्लीकेबल हो जाएगा। बोलो सर, क्लियर हुआ कि बात नहीं हुआ? ओहो यस सर। सर वो वाला क्या है, कंसीडरेशन फॉर ट्रांसफर लैंड एंड बिल्डिंग लेस देन 50 लाख? आता हूँ सर, आता हूँ, रुको। ये तो सेलर के, बायर के तरफ से है ना, सेलर तो समझ गए आप लोग। सेलर का पॉइंट ऐसा है कि कौन सा वैल्यू को लिया जाएगा, कि सेलर के हाथ में क्या टैक्स करेगा। अब बायर के हाथ में बात करते हैं, मतलब चौथा के हाथ में, ठीक है। अब इसी में अदर सोर्स का बात ज्यादा आ जाता है, बिकॉज अदर सोर्स में इसका इनकम माना जाता है बहुत केस में। तो इन द हैंड्स ऑफ द बायर, पहला सवाल, इज द डेट ऑफ एग्रीमेंट डिफरेंट फ्रॉम द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन? क्या जिस दिन बिल्डिंग या प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहे हो दोनों डेट सेम है, रजिस्ट्रेशन का डेट और एग्रीमेंट का डेट? डेट ऑफ एग्रीमेंट डिफरेंट फ्रॉम द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, अगर यस है तो जवाब अलग, अगर नो है तो जवाब अलग। अगर यस है तो फिर सवाल किया जाएगा, क्या अमाउंट आपको होल और पार्ट में अकाउंट पे ही या बैंक की CS इस तरह से मिल रहा है? देन अगर यस है तो फिर स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ऑन द डेट ऑफ एग्रीमेंट में बी कंसिडर्ड। बट अगर ना है, मतलब अगर आप नहीं कर रहे हो, ठीक है, तो इन दैट केस भी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ऑन द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन उज बी कंसिडर्ड। अगर हाँ है तो SDB ऑन द डेट ऑफ एग्रीमेंट वुड बी कंसिडर्ड, और अगर ना है तो SDB ऑन द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन वुड बी कंसिडर्ड। दोनों पॉइंट समझना सर, एक में बात कर रहा है सर रजिस्ट्रेशन का और एक में बात कर रहा है एग्रीमेंट का। यहाँ पर देखो एग्रीमेंट डेट का SDB, यहाँ पर क्या है रजिस्ट्रेशन डेट का SDB। आई होप पॉइंट समझ में आ रहा है सर। यहाँ पर रजिस्ट्रेशन का स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू पूछ रहा है और यहाँ पर एग्रीमेंट डेट का स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है। और अगर डेट ऑफ एग्रीमेंट और रजिस्ट्रेशन दोनों ना कर रहे, मतलब सेम डेट पे नहीं हो रहा है, तो डायरेक्ट यही वाला एप्लीक हो जाएगा, मतलब SDB ऑन द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन वुड बी कंसिडर्ड, ठीक है। अच्छा अच्छा, यहाँ पर और एक चीज सर, कि स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू, सॉरी ये वाला, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ऑन द डेट ऑफ एग्रीमेंट में बी कंसिडर्ड और स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ऑन द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन वुड बी कंसिडर्ड, इसमें जो कंसिडरेशन लिया जाएगा ना उसका कैलकुलेशन क्या होता है,
डिफरेंस बिटवीन द स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू एंड द एक्चुअल कंसिडरेशन विल बी टैक्सेबल. अब टैक्सेबल क्या होगा? स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू जो गवर्नमेंट का रजिस्ट्रेशन चार्जेस है एंड एक्चुअल कंसिडरेशन 56 सबसेक्शन 2 क्लॉज 10 के हिसाब से. अगर वो कंसिडरेशन 50,000 से ज्यादा या कंसिडरेशन का 10% से ज्यादा जो अमाउंट होगा वो अमाउंट को लिया जाएगा. ये ऐसा कैलकुलेशन हम लोग प्रीवियस क्लास के क्वेश्चन में करके रखे हैं सर, है ना? प्रीवियस क्लास का जो क्वेश्चन हम लोगों ने किया था मोस्ट प्रोबेबली इलस्ट्रेशन 2, उसमें ये पैटर्न आया था सर. 56 सबसेक्शन 2 क्लॉज 10 के हिसाब से डिफरेंस बिटवीन, मतलब अगर स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू और एक्चुअल कंसिडरेशन का जो डिफरेंस है वो डिफरेंस अमाउंट अगर 50,000 या कंसिडरेशन का 10% से ज्यादा हो रहा है तो वो अमाउंट टैक्सेबल होता है. ये क्वेश्चन करके रखे हम लोग. अगर आप लोग भूल चुके हैं तो प्रीवियस क्वेश्चन एक बार देखो, ये फिर आज भी मैं एक कॉन्सेप्ट बताता हूँ उस पर भी समझ में आ जाएगा. एंड और क्या बात है सर? सर अगर कंसिडरेशन फॉर ट्रांसफर ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग लेस देन 50 लाख, अगर लैंड एंड बिल्डिंग का कंसिडरेशन का अमाउंट 50 लाख से कम है, इफ द कंसिडरेशन फॉर द ट्रांसफर ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग लेस देन 50 लाख है, अगर हाँ है और ना है, मतलब अगर 50 लाख से नीचे है मतलब यस, देन नो टैक्स इज टू बी डिडक्टेड. कोई टैक्स नहीं काटेगा, ठीक है? नो टैक्स इज टू बी डिडक्टेड, कोई TDS वगैरह नहीं काटा जाएगा, ठीक है? और अगर 50 लाख से ज्यादा है देन इन दैट केस TDS काटा जाएगा. टैक्स @1% और 0.75% जो भी एप्लीकेबल है इज डिडक्टेबल एट द टाइम ऑफ क्रेडिट ऑफ पेमेंट. जब भी पेमेंट क्रेडिट किया जाएगा उसी टाइम पे ये 1% टैक्स दिया जाएगा. ये कहां पर बोला गया है सर? TDS में earlier, ठीक है? क्रेडिट और पेमेंट, क्रेडिट के टाइम पे या फिर पेमेंट के टाइम पे जो पहले होगा तभी, अंडर सेक्शन 194(1)(a) में बोला गया है सर. 194(IA) में बोला गया है. मैं आप लोगों को ये सेक्शन भी बताऊंगा. TDS वगैरह का एडवांस टैक्स का चैप्टर आएगा जहां पर 194 के बारे में डिटेल चर्चा करेंगे. इसके बाद ही आएगा सर. तो TDS एडवांस टैक्स के हिसाब से बोला जा रहा है कि TDS काटा जाएगा, वो भी 50 लाख से ऊपर होगा तो 1% या 0.75% जो भी पहले होगा पेमेंट और क्रेडिट एट द टाइम ऑफ क्रेडिट जो भी पहले होगा उसके टाइम पे. मतलब आपके नाम पे क्रेडिट होना और आपके नाम पे पेमेंट करना दोनों अलग होता है. तो जब भी आप पेमेंट करोगे या फिर क्रेडिट इश्यू होगा तो उसी टाइम पे टैक्स काटा जाएगा. तो ये रहा कॉन्सेप्ट सर. बोलो सर, समझ में आया कि नहीं आया? ओवरऑल फ्लोचार्ट एक बायर के तरफ से था और एक सेलर के तरफ से था. सर आधा अधूरा समझ आया होगा क्योंकि जब तक प्रैक्टिकल नहीं करते तब तक तो क्लैरिटी नहीं आता ना. तो सर एक काम करते हैं, जो भी ऐसे तो सेलर का कॉन्सेप्ट तो आप BPCG में ज्यादा समझोगे, ठीक है? स्पेशली इन CG मैंने बहुत डिटेल्स में करवाया था इसको, पूरा चार्ट के थ्रू से मैंने इसको सॉल्व करके रखा था. जिन्होंने CG नहीं किया उनको ऐसे लग रहा है सर मेरा तो नहीं है, कोई बात नहीं सर, भाग्य किसको कहां जाना है, करना तो पड़ेगा आपको CG ऐसे भी और ऐसे भी. लेकिन अभी याद रखो सर इस पॉइंट को. ओके बोलो सर, बोलो आप लोगों का हाँ ना इम्पोर्टेंट है मेरे लिए. क्या क्वेश्चंस की तरफ जा सकते हैं सर? हेलो. यस सर. ओके सर, देखो अब ये जो क्वेश्चंस हम लोगों ने अभी किया, ये सॉरी प्रोविजन हम लोगों ने पढ़ा, अब इसी पर्टिकुलर क्वेश्चंस के थ्रू से मैं ये क्वेश्चन आप लोगों को बोला था इलस्ट्रेशन 2 जो आप लोगों ने लास्ट दिन किया था, एक बार गो थ्रू करना सर. यहाँ पर बहुत सारा वाइटल पॉइंट मैंने डिस्कस करके रखा था. और एक पॉइंट जो ये मिस्टर हरी और इसका एक क्वेश्चन था ना, ये वाला बहुत अच्छा क्वेश्चन है सर. प्रोविजन को समझने के लिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है. सिर्फ प्रोविजन से आप भूल सकते हो, बट क्वेश्चन कर लो तो प्रोविजन क्या हो जाता है ना, जहन में रह जाते हैं, है ना? हर चीज का प्रैक्टिकल देख लो तो मजा आ जाए ना सर. किसी भी चीज का प्रैक्टिकल कर लो तो मजा आ जाए. बचपन से सुनते हैं बैंक जाना है, बैंक जाना है, बट जब तक बैंक का काम जाके नहीं करते बैंक का काम समझ नहीं आता, है ना सर? मैंने देखा सर, मुझे को बचपन में ना बहुत डर लगता था बैंक जाने में. अगर पापा कभी भी मुझे बोल देता था कि जा बैंक में जा तो बैंक में जाके पैसा जमा कर ले, ठीक है, तो मेरे को बहुत डर लगता था. किस बात का? मतलब ऑन दैट टाइम मैं शायद 6, 7 या 8 में पढ़ता था, तो मुझे इस चीज का डर लगता था कि मैं कहाँ जाके क्या बोलू, ठीक है? तो उतना स्मार्ट नहीं हुआ करता था सर, ठीक है? मतलब कुछ चीजों में मुझे डर लगता था, हर चीज में नहीं, कुछ मैटर में डर लगता था. तो मैं सबसे पहले तो बैंक में जाके कहाँ क्या पूछना है, क्या बोलते हैं उसको, मैं पापा को बोलता था कि बताओ ना उसको जो चीज मुझे फॉर्म लेना है तो उसको बोलता क्या है, तो उसको डिपोजिट फॉर्म बोलते हैं या विदड्रॉल फॉर्म बोलते हैं. बट ये डिपोजिट फॉर्म, विदड्रॉल फॉर्म, ये सब तो मुझे बोलना नहीं आता था.
और पापा मुझे ये सब नहीं बोलते थे, पापा जाके बोलते थे तुम जाके बोलना कि जमा टाका जमा करबो, ठीक है टाका तुलबो, नहीं कुछ तो नाम होता होगा आप बोलो ना सही, तो बोलते नहीं थे, तो फिर जाना पड़ता था, फिर पहले पहले हंसता था कोई कोई में, मतलब जो बैंक में होते थे, फिर धीरे धीरे आदत हो गया, मतलब क्या हो गया सर कॉन्सेप्ट में यही बोलना चाहता। और चेक का काम तो बहुत डर लगता था कि चेक फिलअप करने के टाइम पे मुझे आज भी डर लगता है कभी कभी, क्योंकि थोड़ा सा इधर उधर हो जाए ना डेट में तो कैंसिल कर देता है, बाउंस कर देता है, तो बचपन में मुझे ये डर था, लेकिन सर जितना प्रैक्टिकल यूज होता गया समझ आता गया, क्या मैं सही बोल रहा हूँ सर? आई थिंक ये बाकी सर, लोगों के लिए भी एप्लीकेबल है सर, बोलो सर, बोलो रिलेटेबल है, हाँ रिलेटेबल है सर, ये बहुत सारा लोगों का बचपन का कहानी है, मुझे मेरा भी कहानी है सर मैं भी बहुत डरता था बचपन में, मतलब बैंक का काम बोलने से ना मुझे लगता था ये भगवान, बैंक छोड़ के कुछ भी बोलो, तुम मुझे बोलो कि दुकान से सामान लाना है मैं अभी ला देता हूँ, ये बैंक का काम क्यों देता है मुझे, लेकिन मैं तो टाइम में गायब, हाँ गायब हो जाता था, हाँ नहीं मिलने से नहीं बोलेगा तो वही सर, कोई भी चीज को एक बार प्रैक्टिकल कर लो तो ऐसा लगता है कि चलो सब समझ आ गया हो, ओके इसीलिए बोलते हैं सर। ओके मिस्टर हरी, कौन है मिस्टर हरी? मिस्टर हरी प्रॉपर्टी डीलर है सर, सोल्ड ए बिल्डिंग, ध्यान से सुनना सर क्वेश्चन को पहले, सोल्ड ए बिल्डिंग इन द कोर्स ऑफ हिज बिजनेस टू हिज फ्रेंड राजेश, ओके हु इज अ डीलर इन द ऑटोमोबाइल स्पेयर पार्ट्स फॉर रुपीज 90 लाख, कितने में बेचा? घर बेचा 90 लाख में सर, ओके On 1/1/2021, when the stamp duty value कितना था? 150 लाख, 90 लाख का घर है but one stamp duty value है इसका सरकार का registration charges 150 लाख का, आप समझ सकते हो? The agreement was however entered into on 1/1/2020, कब agreement में जा रहा है? 1 September 2020 को, the stamp duty value agreement के time पे क्या था? 140, ठीक है 140 लाख, एग्रीमेंट के टाइम पे स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 140 लाख सर। मिस्टर हरी हैड रिसीव्ड अ डाउन पेमेंट 15 लाख, 15 लाख का डाउन पेमेंट मिला है मिस्टर हरी को, कहा किससे? राजेश से, भाई ये क्रॉस चेक, चलो सर कौन मुझे समझाएगा क्रॉस चेक क्या होता है? जो लोग बैंक का काम करता है उनको जरूर पता होगा, मतलब एटलीस्ट बैंक जाने का आदत है, क्रॉस चेक क्या होता है सर? एनी वन सर, कोई तो बताओ, 15 लाख बाई ए क्रॉस चेक फ्रॉम राजेश ऑन द डेट ऑफ एग्रीमेंट, डिस्कस द टैक्स इम्प्लीकेशन इन द हैंड्स ऑफ हरी एंड राजेश, अज्यूमिंग दैट मिस्टर हरी हैज परचेज द बिल्डिंग फॉर रुपीज 75 लाख ऑन 12th of July 2019, अज्यूम कर लो कि मिस्टर हरी ने ये प्रॉपर्टी 2019 के 12 जुलाई को 75 लाख में खरीदा था। Would your answer be different if Hari was a share broker? अगर Hari property dealer के जगह share broker हो जाए instead of a property dealer, तो क्या आपका जवाब change हो जाएगा सर? मतलब simple है, जब Hari property dealer है तब उसके लिए section क्या apply होगा? Section 43CA, और जब वो share broker हो जाएगा तब उसके लिए क्या apply हो जाएगा? 50C, ये बीपी का सेक्शन है और ये सीजी का सेक्शन है, बट दोनों का ट्रीटमेंट सेम है, आप लोगों ने देखा दोनों का ट्रीटमेंट सेम है ना सर? बोलो सर, अभी आप लोग मुझे क्रॉस चेक समझाओगे? कोई क्रॉस चेक क्या होता है? चेक में दो लाइन, चेक में दो लाइन, वेरी गुड सर। अकाउंट पे ही चेक, बुक में लिखा रहता है सर। सर अकाउंट पे ही चेक और क्रॉस चेक में थोड़ा फर्क है, वही मैं पूछना चाहता हूँ सर। जिसको इमीडिएट इन कैश नहीं करने का परमिशन हो, हाँ वो तो है, इमीडिएट इन कैश तो नहीं कर सकते आप ऑब्वियसली, क्रॉस चेक और अकाउंट पे ही चेक में बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, बट एक ना बेसिक फर्क है, एक बेसिक फर्क है। क्रॉस चेक में क्या होता है? क्रॉस चेक मीनिंग में क्या चाहिए मुझे? इमेज चाहिए, हाँ ये चलेगा। देखो
ये क्रॉस चेक है, ठीक है। अब ये क्रॉस चेक अकाउंट पे ही चेक भी है, ठीक है, आप जिसके नाम पे बोल रहे हो उसी के अकाउंट में जाएगा, बट सर क्रॉस चेक बियरर्स चेक भी होता है, मतलब ये नेगोशिएबल होता है सर, आप बात को समझे। क्रॉस चेक नेगोशिएबल भी होता है, इसका मतलब ये है, से फॉर एग्जांपल मैंने जियाउल को चेक दिया और जियाउल को मैंने मानो कि 37,000 का चेक दिया, लेकिन जियाउल को लगता है कि ये चेक वो सर 37,000 वो नहीं लेना चाहता, बदले में वो किसी और को तथा को देना चाहता है, तो तब वो चेक को क्या कर सकता है सर, वो ट्रांसफर कर सकता है, एंडोर्स कर सकता है। क्रॉस चेक नेगोशिएबल है और इसका एंडोर्समेंट हो सकता है। अकाउंट पे ही चेक भी ऐसा ही होता है, अकाउंट पे ही चेक भी ऐसा ही होता है ना, देखने में ऐसे करके करके हम लोग इसमें अकाउंट पे ही लिख देते हैं, है ना। बट अकाउंट पे ही चेक में क्या होता है, वो एंडोर्स नहीं कर सकते आप, जिसके नाम पे है वही कर सकता है ना उसको बैंक में क्रेडिट, है ना सर। अकाउंट पे ही चेक आप एंडोर्स कर सकते हो क्या? हाँ तो था अकाउंट पे चेक, वो ट्रांसफरेबल नहीं है, बट यही क्रॉस चेक और अकाउंट पे का मेन फर्क है। दोनों ही सेफ्टी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अकाउंट पे भी सेफ्टी है, जिसको दिया गया उसी को मिल सकता है, क्रॉस चेक भी सेफ्टी है, क्योंकि जब तक मतलब जिसको मिलना चाहिए उसी को मिलेगा, ठीक है। से फॉर एग्जाम्पल ऐसा हो सकता है कि क्रॉस चेक एंडोर्सेबल है, बट जैसे बिल्स ऑफ एक्सचेंज में आप लोग ये सब पढ़ते हो ना, क्रॉस चेक एंडोर्सेबल है, जैसे मानो कि मैंने जियाउल को 37,000 दिया, अब जियाउल अपना ये अमाउंट किसको देना चाहता है, तौथा को देना चाहता है, तो जियाउल से ट्रांसफर होके तौथा के पास गया, तौथा इसको ट्रांसफर करके विशाल को दे रहा है, ठीक है। अब मानो कि पेमेंट नहीं मिला, अगर पेमेंट नहीं मिला तो विशाल किसको पकड़ेगा, तौथा को पकड़ेगा, ठीक है, वो फिर से इसको बोलेगा कि भाई पेमेंट करो, फिर जियाउल किसको, तौथा किसको बोलेगा, जियाउल को बोलेगा, और जियाउल को जिससे मिला है, मेरे से मिला है तो मेरे को पकड़ेगा। तो बेसिकली क्रॉस चेक में क्योंकि वो एंडोर्स हो सकता है, तो फिर वो जब भी डिफॉल्ट हो जाए तो जिससे जिसको मिलता है वो उसको आ जाएगा, और अकाउंट पे चेक में तो दो ही इंसान का खेल हो सकता है, यही मेन फर्क है और कुछ नहीं है, ठीक है। तो लेकिन हम लोग जो जितना सारा प्रोविजंस पड़े हैं, कहीं पर भी क्रॉस चेक के बारे में नहीं बोला है सर, हर जगह में अकाउंट पे के बारे में बोला है ना, हर जगह में पेमेंट के बारे में क्या बोला, अकाउंट पे के बारे में बोला, क्रॉस चेक बोला क्या? अकाउंट पे चेक बोला। इज द होल और पार्ट ऑफ द कंसिडरेशन रिसीव्ड बाय वे ऑफ अकाउंट पे चेक, बैंक ड्राफ्ट, ईसीएस थ्रू बैंक अकाउंट और थ्रू सच अदर प्रिस्क्राइब्ड इलेक्ट्रॉनिक मोड लाइक गूगल पे, पेटीएम, फोन पे, आईएमपीएस, एनईएफटी, आरटीजीएस, सब इलेक्ट्रॉनिक मोड के अंदर आ जाता है। क्रॉस चेक के बारे में नहीं बोला सर, अकाउंट पे के बारे में बोला है, तो इसीलिए इसके ऊपर डिपेंड करके हमारा जवाब भी चेंज हो जाएगा ना, समझ गए होंगे आप लोग बात, ठीक है। चलो सर, तो जितना जो पॉइंट था उसको डिस्कस कर लेते हैं एक बार। अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है सर, अगर आप लोग अच्छे से सुन रहे हो तो बहुत अच्छा नॉलेज मिलेगा आप लोगों को। चलो सर, देखते हैं क्या नॉलेज गेन कर पाते हैं हम लोग, बहुत सारा सवाल का जवाब इसके अंदर छुपा हुआ है। टैक्स इम्प्लीकेशन इफ मिस्टर हरी इज ए प्रॉपर्टी डीलर, अगर मिस्टर हरी प्रॉपर्टी डीलर है तो फिर इन द हैंड्स ऑफ सेलर मिस्टर हरी, ये 43C अप्लाई हो जाएगा, और इन द हैंड्स ऑफ बायर मिस्टर राजेश, ठीक है, उसके लिए कैपिटल अदर सोर्स है तो 56 सबसेक्शन 2 क्लॉज 10 का सेक्शन आ जाएगा, है ना। राजेश के लिए ये क्या हो जाएगा, अगर उसको विदाउट कंसिडरेशन वगैरह में मिल रहा है या इनएडिक्वेट कंसिडरेशन में मिल रहा है, तो फिर 56 सबसेक्शन 2 क्लॉज 10 एप्लीकेबल हो जाता है। तो देख लेते हैं सर क्या खेल चल रहा है यहाँ पर। तो पहले क्या करें, पहले बिजनेस का देख ले, पहले बिजनेस का देख लेते हैं। हाँ, 43CA In the hands of Hari, the provisions of section 43CA would be attracted since the building represents his stock in trade. And he has transferred the same for a consideration less than stamp duty value. Yaad karo sir, stamp duty value kitna tha aur usne kitne daam mein transfer kiya? Yaad karo, question aapke saamne hai. 90 lakh mein transfer kiya, stamp duty 150 lakh hai. स्टैम्प ड्यूटी 150 लाख है और उसने ट्रांसफर किया 90 लाख में, कम दम में ट्रांसफर किया सर। हेलो, हाँ सर। तो अल्टीमेटली क्या हो गया,
फॉर ए कंसिडरेशन लेस देन दिस स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू एंड दिस स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू एक्सीड्स 110% ऑफ द कंसिडरेशन, है ना, 90 लाख का 110% करके देखो, उससे ज्यादा है, ठीक है, कंसिडरेशन का. अंडर सेक्शन 43CA द ऑप्शन टू एडॉप्ट दिस स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ऑन द डेट ऑफ एग्रीमेंट कैन बी एक्सरसाइज, है ना, एग्रीमेंट डेट का जो है वो वाला एक्सरसाइज होगा. ओनली होल और पार्ट ऑफ द कंसिडरेशन हैज बीन रिसीव्ड ऑन और बिफोर द डेट ऑफ एग्रीमेंट बाय वे ऑफ अकाउंट पे चेक और ड्राफ्ट और बाय यूज ऑफ ईसीएस थ्रू अ बैंक अकाउंट और थ्रू अ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर, लाइक ये सब इलेक्ट्रॉनिक में ये सब आ जाता है सर. इलेक्ट्रॉनिक के अंदर आपका आ जाएगा IMPS, UPI, हाँ ये सब फुल फॉर्म जानते होंगे आप लोग. इमीडिएट पेमेंट सर्विस, ये सब बैंक ट्रांसफर करने के टाइम पे दिखता है. UPI, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, RTGS, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, NEFT, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, भीम, भारत इंटरफेस फॉर मनी, आधार पे और बिफोर द डेट ऑफ एग्रीमेंट, है ना सर, ये सब इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर में हो गया. बिफोर द डेट ऑफ एग्रीमेंट में अगर आपको ये मिल जा रहा है इसके थ्रू से, अकाउंट पे के थ्रू से, तो इन दिस केस डाउन पेमेंट तो रिसीव हुआ है सर, होल नहीं हुआ पर पार्ट तो हुआ है. होल तो नहीं हुआ पर पार्ट पेमेंट तो मिला है आपको. कितना मिला? 15 लाख डेट ऑफ एग्रीमेंट के डेट में मिला, वो भी क्रॉस चेक में मिला, बट अकाउंट पे ही चेक से नहीं मिला. तो फिर ये ऑप्शन कैन नॉट बी एक्सरसाइज्ड. इसका मतलब समझ गए आप लोग? हाँ चलो सर, अगर नहीं समझ में आया तो मैं फिर से आपको लेके चलता हूँ प्रोविजन में. देखो सर, प्रोविजन को फिर से पढ़ता हूँ सर, फिर से आप प्रोविजंस को पढ़ो. अगर आप भूल जा रहे हो बार बार तो मैं बार बार आपको याद दिलाने के लिए आ रहा हूँ. देखो सर, सेक्शन 43CA, इज द डेट ऑफ एग्रीमेंट डिफरेंट फ्रॉम द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन? पहला बात, चलो मान के चलते यस. इज होल और पार्ट ऑफ द कंसिडरेशन रिसीव्ड बाय वे ऑफ अकाउंट पे चेक? हमारा केस क्या है, क्या अकाउंट पे चेक से रिसीव किया सर? क्रॉस चेक पे किया, तो फिर नो हो गया. तो फिर क्या होना चाहिए? स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ऑन द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन में बी टेकन एज द फुल वैल्यू कंसिडरेशन इफ स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू एक्सीड 110% ऑफ द एक्चुअल कंसिडरेशन. अगर हाँ होता तो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ऑन द डेट ऑफ एग्रीमेंट माना जाता, ठीक है, रजिस्ट्रेशन नहीं एग्रीमेंट माना जाता. चलो देखते हैं सोल्यूशन में. तो 75 लाख 75 लाख बींग द डिफरेंस बिटवीन द स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू, 75 लाख being the difference between the stamp duty value on the date of transfer, that is 150 lakh and the purchase price, that is 150 lakh and the purchase price, that is 75 lakh would be chargeable as business income in the hands of Mr. Hari since stamp duty value exceeds 110% of the consideration, 110% of the consideration. अब देखो तो सर, consideration कितना मिला था Mr. Hari के हाथ में? consideration कितना था? 90 लाख था, सही बोल रहा हूँ ना सर? लेकिन सर मिस्टर हरि का ये घर कितने दाम में खरीदा हुआ था? 75 लाख में. और उसका स्टैम्प ड्यूटी मार्केट में कितना चल रहा था? 150 लाख, है ना. 90 लाख का 110% कितना हो जाता है? 99 लाख. तो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू उससे ज्यादा है? हाँ. स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू उससे ज्यादा है ना सर, तो इसलिए हमारे हाँ, पास ठीक है 150 लाख है. तो इसीलिए देखो सिंपल अप्लाई हो जाएगा. देयरफॉर 75 लाख विद द डिफरेंस बिटवीन द स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ऑन द डेट ऑफ ट्रांसफर. 75 लाख किसका डिफरेंस हो रहा है? स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 150 लाख है और 75 लाख मेरा आप खरीदा हुआ दाम था, परचेस प्राइस. परचेस प्राइस और स्टैम्प ड्यूटी में क्या डिफरेंस है? 75 लाख का डिफरेंस है, 150 लाख मेरा क्या है? स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू एंड परचेस प्राइस इज 75 लाख. ये इसका जो डिफरेंस है 150 एंड 75 का जो डिफरेंस है वुड बी चार्जेबल एज बिजनेस इनकम इन द हैंड्स ऑफ मिस्टर हरि क्योंकि स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू एक्सीड्स 110% ऑफ द कंसिडरेशन. ये रहा आपका मिस्टर हरि के हाथ का पहला केस. अब चलो मैं फिर से आपको इसको दिखाता हूँ. ये देखो, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ऑन द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन में बी टेकन इन द फुल वैल्यू कंसिडरेशन इफ एसडीबी एक्सेस 108% ऑफ द एक्चुअल कंसिडरेशन. तो उसको तो लिया गया, ठीक है, 110% तो क्रॉस कर ही गया, ठीक है. तो 43CA के हिसाब से हमारा पहला कॉन्सेप्ट ये रहा, ठीक है. मिस्टर हरि के हाथ में टैक्सेबिलिटी क्या आ जाएगा? 75 लाख का,
बोलो सर, कुछ बात समझ में आया कि नहीं आया? क्या कॉन्सेप्ट हो गया? इज द डेट ऑफ एग्रीमेंट डिफरेंट फ्रॉम द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन? यस। होल पार्ट ऑफ द कंसिडरेशन रिसीव बाई योर अकाउंट पे ही चेक? नहीं, क्रॉस चेक से रिसीव किया ना, हो गया। क्या बोलते हैं सर, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ऑन द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन मे बी टेकन इन फुल वैल्यू कंसिडरेशन। तो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू को ही लिया गया 150, इसी को फुल वैल्यू कंसिडरेशन मान लिया गया। और परचेस प्राइस का जो डिफरेंस कितना है? 75 लाख। ठीक है, तो 75 लाख का जो डिफरेंस और 150 लाख का जो डिफरेंस, दो डिफरेंस जो है वो आपका हो जाएगा बिजनेस इनकम। समझ आया ना सर? यहाँ पर यही बताया गया सर। ठीक है, 75 लाख बिंग द डिफरेंस बिटवीन द स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू, मतलब 90 लाख को लेना चाहिए था ना, बट 90 लाख नहीं लिया गया सर, 150 लाख लिया गया। अगर 90 लाख से होता तो आपका इनकम कम हो जाता ना। अगर 90 लाख लिया गया होता 150 की जगह, तो फिर आपका इनकम कम हो जाता, आपके लिए अच्छा होता, बट क्योंकि आपने क्रॉस चेक में पेमेंट लिया, मतलब पेमेंट किया, हाँ लिया बेसिकली, तो इसके लिए आपको वो वाला फैसिलिटीज नहीं मिला। आई होप क्लियर है सर। बोलो, सबको क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? कोई डाउट हो तो पूछ लो सर। एनी डाउट सर, किसी के भी मन में कुछ भी चल रहा है बोलो। 150 लाख लिया गया जहां पर 90 लाख लेना चाहिए था, हरी को मिला कितना? 90 लाख। हरी का 90 लाख का घर बेसिकली मिला बेच के, 75 लाख उसका परचेस प्राइस था, तो 90 से 75 माइनस कर देते, लेकिन हमारे यहाँ पर क्या माइनस हो गया? 150 से 75 माइनस हो गया, ज्यादा हो गया ना सर, जियाउल तो हाँ बोल रहा है। मैं बाकी लोगों से भी हाँ सुनना चाहता हूँ, अगर कुछ प्रॉब्लम है तो पूछो सर। एनी डाउट, प्रोविजंस क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? प्रोविजंस क्लियर हो रहा है ना सबको? क्लियर हो रहा है सर। ओके सर, यस सर, थैंक यू सर। जितना टफ लग रहा था उतना टफ अभी नहीं फील हो रहा होगा, क्योंकि प्रैक्टिकल देख रहे हैं। ठीक है, इसीलिए ये प्रोविजंस यहाँ पर एसडीबी को लिया गया सर, एसडीबी ऑन द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। ठीक है, फुल वैल्यू कंसिडरेशन के हिसाब से 90 लाख की जगह 150 लाख कर दिया गया। ठीक है, ओके सर। चलो अब देखते हैं, अब क्या देखेंगे, अब क्या देखेंगे, मिस्टर बायर के हाथ में क्या हो रहा है? मिस्टर बायर कौन है? राजेश। चलो देखते हैं राजेश के हाथ में क्या हो रहा है। सिंस मिस्टर राजेश इज अ डीलर इन ऑटोमोबाइल स्पेयर पार्ट्स, द बिल्डिंग परचेस वुड बी अ कैपिटल एसेट, है ना? अगर वो भी बिल्डिंग का डीलर होता तो फिर शायद उसको हम लोग क्या अज्यूम कर लेते, बिजनेस मान लेते ना। अगर मिस्टर राजेश भी बिल्डिंग का डीलर होता हरी के तरह, तो फिर उसको क्या अज्यूम कर लेते, स्टॉक इन ट्रेड क्या अज्यूम कर लेते, बट राजेश तो यहाँ पर स्पेयर पार्ट्स बेचता है, तो फिर उसके लिए बिल्डिंग क्या हो जाएगा? कैपिटल एसेट हो जाएगा, मतलब कैपिटल गेन में आ जाएगा। लेकिन इन हिज हैंड्स द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 56 सबसेक्शन 2 क्लॉज 10 दैट इज इनकम फ्रॉम अदर सोर्स का जो प्रोविजन है वुड बी अट्रैक्टेड इन द हैंड्स ऑफ मिस्टर राजेश हु हैज रिसीव्ड इमूवेबल प्रॉपर्टी, इमूवेबल प्रॉपर्टी रिसीव किया बीइंग अ कैपिटल एसेट फॉर इनएडिक्वेट कंसिडरेशन। इनएडिक्वेट कंसिडरेशन में उसने रिसीव किया, क्यों सर? इनएडिक्वेट क्यों? देखते हैं सर क्यों इनएडिक्वेट। चलो, एंड जब भी इनएडिक्वेट कंसिडरेशन में रिसीव करता है कैपिटल एसेट को, तो क्या होता है? मिस्टर राजेश हैज रिसीव इमूवेबल प्रॉपर्टी बीइंग ए कैपिटल एसेट फॉर इनएडिक्वेट कंसिडरेशन, द डिफरेंस बिटवीन द कंसिडरेशन एंड द स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू एक्सीड्स 9 लाख। 9 लाख कहां से आ गया? 90 लाख का 10% बीइंग द हायर ऑफ 50,000 एंड 10% ऑफ द कंसिडरेशन। ये तो आप लोगों को मैंने 56 सबसेक्शन 2 क्लॉज 10 में पढ़ा के आया स्टार्टिंग से। 90 लाख का 10% 9 लाख और 50,000, कौन सा ज्यादा है? 9 लाख। तो ये वाला आपका कंसिडरेशन में माना जाएगा। कंसिडरेशन इन द स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू एक्सीड्स 9 लाख, दैट इज हायर ऑफ द 50,000 एंड 10% ऑफ द कंसिडरेशन। तो फिर आपका क्या खेल चल गया सर? देयर फॉर रुपीज 60 लाख। 60 लाख कहां से? अरे 150 और 90 लाख का माइनस करो। 60 लाख बींग द डिफरेंस बिटवीन द स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू एंड द प्रॉपर्टी ऑन द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, दैट इज 150 लाख, एंड द एक्चुअल कंसिडरेशन 90 लाख वुड बी टैक्सेबल अंडर सेक्शन 56। किसका प्रॉब्लम हो गया नेटवर्क में? अभी तक तो सभी अच्छा, कोई अच्छे से थे। ओके, तो 150 लाख से आप 90 लाख को माइनस करो, कितना हो जाता है? 60 लाख। ठीक है, ये 60 लाख टैक्सेबल हो जाएगा अंडर सेक्शन 56 सबसेक्शन 2 क्लॉज 10 में इन द हैंड्स ऑफ मिस्टर राजेश, सिंस द पेमेंट ऑन द इज ऑन द डेट ऑफ एग्रीमेंट इज मेड बाय क्रॉस्ड, है ना, क्रॉस्ड पेमेंट, क्रॉस चेक पे पेमेंट हुआ। ठीक है,
एंड नॉट अकाउंट पे ही चेक और ECS और थ्रू क्रेडिट और जो भी पेमेंट सिस्टम होना था, ठीक है, क्योंकि पेमेंट हमारा यहाँ पर इस केस में अकाउंट पे में नहीं हुआ है, ठीक है। तो अल्टीमेटली आपका अमाउंट हो जाएगा 60 लाख का, ठीक है, आपका अमाउंट हो जाएगा 60 लाख का। सर कैसे बोल दिया आपने 60 लाख का, ये देखो बायर के हाथ का सेक्शन को फिर से देखो सर, फिर से देखो घर में, फिर से एक बार गो थ्रू कर लेना हो सके तो, लेकिन आप लोग अगर देख पा रहे हो तो देखो फिर से एक बार। इज द डेट ऑफ एग्रीमेंट डिफरेंट फ्रॉम द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, यस। इज होल और पार्ट ऑफ द कंसिडरेशन पेड बाय यू ऑफ अकाउंट पे ही चेक, नहीं सर, है ना। अगर अकाउंट पे ही चेक नहीं है तो फिर क्या होना चाहिए, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ऑन द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन वुड बी आर कंसिडर्ड। तो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ऑन द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन क्या है, 150 लाख, इसको लिया गया और आपका डिफरेंस कितना है एक्चुअल कंसिडरेशन का, 90 लाख का, तो 60 लाख का कॉन्सेप्ट आ रहा है, ठीक है। और क्या बोल रहे थे, डिफरेंस बिटवीन द स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू एंड द एक्चुअल कंसिडरेशन विल बी टैक्सेबल अंडर सेक्शन 56 सब्सेक्शन 2 क्लॉज 10 इफ सच डिफरेंस इज मोर देन द हायर ऑफ 50,000 और 10% ऑफ कंसिडरेशन। क्या 60 लाख मतलब आपको मैं सिंपल कर रहा हूं सर, 150 से आप माइनस करो 90 लाख को, 150 इज योर स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू और 90 लाख इज योर एक्चुअल कंसिडरेशन, है ना। तो 150 लाख और 90 लाख, ठीक है, डिफरेंस कितना हो गया 60 लाख। लेकिन अब मुझे एक चीज बताओ, 60 लाख जो अमाउंट आपका आया यहाँ पर क्या बोल रहा है, क्या ये 60 लाख इफ सच डिफरेंस इज मोर देन द हायर ऑफ 50,000 एंड 10% ऑफ कंसिडरेशन, मतलब क्या ये 50,000 और कंसिडरेशन का 10% से ज्यादा है। कंसिडरेशन आपका 90 लाख था, 90 लाख का 10% कितना, 90 लाख का 10% 9 लाख और 50,000, 50,000 और 9 लाख में से 9 लाख ज्यादा है, तो क्या आपका ये 60 लाख 9 लाख से ज्यादा है सर, क्या आपका 60 लाख 9 लाख से ज्यादा है, हाँ ना सर, 9 लाख तो 60 लाख से ज्यादा है, सॉरी मैंने 60 लाख से 60 लाख 9 लाख से ज्यादा है, तो इसीलिए 60 लाख अमाउंट आपका टैक्सेबल हो जाएगा। किसके हाथ में, बायर के हाथ में, यही वाला खेल हुआ है सर। तो फिर आपको क्या देखना पड़ा, आपको पहले देखना पड़ेगा कि आपका स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू कितना है, 150 लाख का, आपने कितना लिया 90 लाख का, ठीक है, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 150 का आपने दिया 90 का, तो इनएडिक्वेट कंसिडरेशन। जब भी आप इनएडिक्वेट कंसिडरेशन में रिसीव कर रहे हो, जब भी आप इनएडिक्वेट कंसिडरेशन में रिसीव कर रहे हो, वो भी अकाउंट पे ही चेक नहीं कर रहे हो, ठीक है, वो भी अकाउंट पे ही चेक नहीं कर रहे हो, जो हमें यहाँ पर करना चाहिए था रूल्स के हिसाब से। देखो सर, इज द डेट ऑफ एग्रीमेंट डिफरेंट फ्रॉम डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, यस। इज द होल पार्ट अकाउंट पे या इलेक्ट्रॉनिक मोड से मिला, नो। देन SDB ऑन द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन वुड बी कंसिडर्ड, SDB ऑन द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन क्या है, 150 लाख, और आपका कंसिडरेशन कितना है, 90 लाख। तो आपको क्या करना चाहिए, डिफरेंस बिटवीन द स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू एंड द एक्चुअल कंसिडरेशन, स्टैम्प ड्यूटी SDB कितना है 150, एक्चुअल कंसिडरेशन कितना है 90, 150 और 90 में कितना डिफरेंस है 60, क्या ये आपका 60 लाख 50,000 और 10% ऑफ 90 लाख से ज्यादा है, क्या आपका 60 लाख 90 लाख, क्या आपका 60 लाख 10% ऑफ 90 लाख से और 50,000 से ज्यादा है, इसीलिए 60 लाख टैक्सेबल। बोलो सर, राजेश का कॉन्सेप्ट क्लियर है, इनएडिक्वेट कंसिडरेशन भी हो गया, कौन सा प्रोविजन कंप्लीट कर लिए, ये वाला बहुत अच्छा प्रोविजन था सर, अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो घबराने का कोई जरूरत नहीं है, आपको पता हो गया। ये देखो फिर से, इमूवेबल प्रॉपर्टी इनएडिक्वेट कंसिडरेशन, इमूवेबल प्रॉपर्टी इनएडिक्वेट कंसिडरेशन 56 सबसेक्शन 10, 56 सबसेक्शन 2 क्लॉज 10, 56 सबसेक्शन 2 क्लॉज 10, द डिफरेंस बिटवीन द स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू एंड द कंसिडरेशन इफ सच डिफरेंस एक्सीड्स द हायर ऑफ 50,000 एंड 10% ऑफ द कंसिडरेशन, दैट मींस 60 लाख जो है वो 50,000 और 10% ऑफ कंसिडरेशन, दैट इज 90 लाख का 10%, 90 लाख एट द रेट 10% मतलब 9 लाख, ठीक है, 50,000 और 9 लाख से 60 लाख ज्यादा है तो वो अमाउंट टैक्सेबल हो जाएगा जब कंसिडरेशन इनएडिक्वेट होगा। क्लियर है सर, मिस्टर हरि और राजेश का खेल, एनी डाउट तो पूछ लो सर, बहुत केस में मैंने देखा दिक्कत होता है, बट अगर आपको
प्रोविजंस पता है तो दिक्कत कभी नहीं होता। बोलो सर बोलो, क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं? आप लोगों का परमिशन जरूरी है, आप लोग परमिट करोगे तो मैं आगे बढ़ूंगा। यस सर। मैं समझ सकता हूं प्रोविजंस थोड़ा ट्रिकी एरिया में जा रहा है, बट सर आप लोग भी तो कोई नॉर्मल इंसान नहीं हो ना, चार्टर्ड हो, सीएस हो, हाँ सीएमए हो, तो आम आदमी तो नहीं हो आप लोग। ओके सर। अच्छा, इन द हैंड्स ऑफ सेलर मिस्टर हरी, ये तो हम लोगों ने कर लिया। अच्छा, अगर मिस्टर हरी शेयर ब्रोकर है तो उसके लिए वो कैपिटल एसेट हो जाएगा। अगर वो शेयर ब्रोकर है तब तो उसके लिए कैपिटल एसेट हो जाएगा। फिर कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा, इन केस ऑफ मिस्टर हरी इज अ शेयर ब्रोकर एंड नॉट ए प्रॉपर्टी डीलर, द बिल्डिंग वुड रिप्रेजेंट हिज कैपिटल एसेट एंड नॉट स्टॉक इन ट्रेड। इन सच ए केस द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 50C वुड बी अट्रैक्टेड इन द हैंड्स ऑफ मिस्टर हरी सिंस बिल्डिंग इज ट्रांसफर्ड फॉर ए कंसिडरेशन लेस देन द स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू एंड द स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू एक्सीड 110% ऑफ द कंसिडरेशन द 75 लाख, द डिफरेंस बिटवीन द स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू दैट इज 150 लाख और परचेस प्राइस 75 लाख, है ना, 75 लाख जो है वही टैक्सेबल हो जाएगा। इट मे बी नोटेड एज शॉर्ट टर्म, ये भी टैक्सेबल होगा, वो भी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा सर। ये जो 75 लाख उसको मिला है ना, ये 75 लाख उसका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। क्यों सर शॉर्ट टर्म क्यों, कोई मुझे बता सकते हो शॉर्ट टर्म क्यों? सर कब बिल्डिंग खरीदा था, देखो क्वेश्चन चेक करो, बिल्डिंग परचेस किया था 2019 को और बेच दिया 2020 को, इसीलिए लुक या मिस्टर, आपको एक एक चीज का ध्यान रखना पड़ता है। 75 लाख का जो घर था वो परचेस किया था 12 जुलाई 2019 को और सेल कब किया, एक 2021 को, तो कितना दिन होल्ड करना चाहिए था बिल्डिंग के केस में, लॉन्ग टर्म होने के लिए कितना दिन होल्ड करना चाहिए था? 36 मंथ। 36 या 24 सर? मोर देन 24। 24 मंथ सर, मोर देन 24, 36 नहीं है, चेंज हो गया, वो पहले हुआ करता था, मैंने बताया था कैपिटल गेन के स्टार्टिंग में, देखना एक बार विशाल, वहां पर मैंने लिखा के रखा, एक बार देखना कि बिल्डिंग 24 में आ गया अभी, तो 24 मंथ होल्ड करना चाहिए था, तो इस केस में तो 24 मंथ से कम ही है ना, जुलाई 19 से लेके जनवरी 21, 24 मंथ से कम होगा। हाँ सर कम है। एग्जैक्टली, तो दैट इज वाई दिए शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है। ये तो समझ में आ गया आपको, तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन की कॉन्सेप्ट क्या हो गया, तो शॉर्ट टर्म के लिए यहाँ पर कैपिटल गेन का कॉन्सेप्ट आ गया। ठीक है, तो कैपिटल गेन में हमेशा ध्यान रखना पड़ता है शॉर्ट टर्म है कि लॉन्ग टर्म है। जिनका कैपिटल गेन नहीं हुआ, जैसे दित्सा का नहीं हुआ, दित्सा डोंट वरी, मैं बाद में जब कैपिटल गेन फिर से कराऊंगा तो ये जो प्रॉब्लम है ये क्लियर हो जाएगा। अच्छा ओके सर। इट मे बी नोटेड दैट अंडर सेक्शन 50C ये वाला जो अमाउंट मिला है, ठीक है, द ऑप्शन टू एड अप द स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ऑन द डेट ऑफ एग्रीमेंट कैन बी एक्सरसाइज ऑनली इफ द होल और पार्ट ऑफ द कंसीडरेशन हैज बीन रिसीव्ड ऑन और बिफोर द डेट ऑफ एग्रीमेंट बाय योर अकाउंट पे चेक और ड्राफ्ट। बट ये तो हमारे फुलफिल केस नहीं हुआ ना एग्रीमेंट डेट में, इसीलिए सिंस द डाउन पेमेंट 15 लाख हैज बीन रिसीव्ड ऑन द डेट ऑफ पेमेंट बाय क्रॉस चेक एंड नॉट अकाउंट पे चेक द ऑप्शन कैन नॉट बी एक्सरसाइज्ड। मतलब इस केस में अगर वो अकाउंट पेमेंट अकाउंट पे ही हो जाता ना सर, तो फिर अगर अकाउंट पे ही में हमें मिल जाता, मैं आपको बताता हूँ रुको, अगर अकाउंट पे ही में मिलता तो क्या डिफरेंस हो जाता, अगर अकाउंट पे ही में मिल जाता तो स्टैम्प ड्यूटी ऑन द डेट ऑफ एग्रीमेंट ले लेते सर, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ऑन द डेट ऑफ एग्रीमेंट को ले सकते थे, समझ सकते हो, तो एग्रीमेंट पे डेट पे जो अमाउंट है वो वाला ले सकते थे, तो उसमें स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू कम है। देखो चेक करो, क्वेश्चन आप लोगों के पास है नहीं है क्या, चलो मैं दिखाता हूँ, है तो सबके पास मुझे पता है, अगर एग्रीमेंट डेट पे आप देखो तो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 140 लाख का है, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 140 लाख का है एग्रीमेंट डेट पे, ये देखो सर, व्हेन द स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू द एग्रीमेंट वाज हाउएवर एंटर्ड इनटू ऑन 1920 द स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू वाज 140, तो बेनिफिट हो जाता ना सर उसको अगर अकाउंट पे ही से होता तो, मतलब 150 लाख से 75 लाख माइनस किए कितने का इनकम बोल दिया 75 का, 140 से 75 को माइनस करते तो कितना हो जाता, सर
65 लाख का ये बेनिफिट मिलता उसको, समझ में आया सर कि गवर्नमेंट आपको हर तरह से बेनिफिट भी दे रहा है और जरूरत पड़ने में मार भी रहा है, ठीक है सर समझ गए। लेकिन इसका क्या होगा राजेश का, राजेश के कुछ चेंजेस होगा क्या? राजेश में कुछ चेंजेस? अरे एक सेम ही तो होगा ना राजेश का। हाँ सर बायर के केस में तो कोई चेंजेस नहीं है, बायर का कोई चेंजेस नहीं है सर, बायर का तो सेम कॉन्सेप्ट है, ठीक है बायर के केस में सेम कॉन्सेप्ट है, बस वो देखना पड़ता कि अगर 50 लाख से ज्यादा वैल्यू का कंसिडरेशन है तो फिर उसमें लैंड एंड बिल्डिंग के केस में 50 लाख से ज्यादा का कंसिडरेशन अगर ट्रांसफर हो रहा है तो वो 1% का टैक्स लगता है, उसका TDS का एक कॉन्सेप्ट है, ठीक है जो 194(1)A का जब हम लोग बात करेंगे ना TDS वगैरह चैप्टर में तब आप लोगों को बताएंगे। तो बस यही है, एक बार गो थ्रू कर लेना क्वेश्चंस को फिर से, ठीक है मैं आप लोगों को आंसर के साथ ही देके रखा, तो प्लीज मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट करता हूँ कि बहुत अच्छा क्वेश्चंस है, आपका पूरा का पूरा प्रोविजंस को समझा देता है, तो अगर आप पूरा प्रोविजंस को समझना चाहते हो तो ये सब क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना आपको कोई प्रोविजंस में डाउट नहीं रहेगा, दैट इज द मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है प्रोविजंस में डाउट नहीं रखना है, प्रोविजंस को क्लियर करना है, ठीक है इसके लिए प्रॉब्लम सॉल्व करो तो ऑटोमेटिकली आपका जो प्रॉब्लम है वो डाउट क्लियर हो जाता है सर, ठीक है इसीलिए मैं आप लोगों को प्रॉब्लम करने के लिए बोलता हूँ। ओके सर तो मुझे ओवरऑल जो भी चीज़ें बताना था आपको मैं आपको ऑलमोस्ट बोल डाला सर, अभी क्या करना है, अभी कुछ नहीं, अभी तो मैं छुट्टी कर दूंगा आज आप लोगों को, लेकिन मैं कल कोई नया चैप्टर भी स्टार्ट करूंगा, लेकिन बिफोर दैट आप लोग घर में ये सब क्वेश्चन प्लीज सर अंदर इनकम फ्रॉम अदर सोर्स का क्वेश्चन है प्लीज अच्छे से सॉल्व करना, बहुत ही अच्छा अच्छा क्वेश्चन है, ये सब क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे आपको कुछ भी और करने का जरूरत नहीं पड़ेगा, आप हर क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो इतना तो श्योर है सर। ये देखो सर आपको पूछा एग्जामिन अंडर व्हिच हेड द फॉलोइंग इनकम आर टैक्सेबल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर MCQ टाइप ऑफ क्वेश्चन, ठीक है बहुत ही वाइटल क्वेश्चन माना जाता है, 9 क्वेश्चन है प्लीज एक बार देखना, आंसर भी मैंने दे के रखा, ठीक है एक क्वेश्चन नंबर 1 का प्लीज प्रैक्टिस करना, क्वेश्चन नंबर 2 इसको भी प्रैक्टिस करना, ठीक है क्वेश्चन नंबर 2 कितना क्वेश्चन है देख लेता हूँ सर मैं, क्वेश्चन 1, 2 क्वेश्चन 3 का सोल्यूशन नहीं है अनसॉल्व्ड है, क्वेश्चन 3 होमवर्क है, क्वेश्चन 3 सॉल्व करना है, ओके क्वेश्चन 3 ट्राई कीजिएगा सर, एनहांस्ड कंपेंसेशन का कुछ कॉन्सेप्ट है, ओके ट्राई कीजिएगा एक बार, सेम क्वेश्चन हो गया क्या, 5 लाख 1.5 लाख 1,65,000 नहीं सर थोड़ा अलग हो सकता है, थोड़ा अलग है हो सकता है सर एक बार रीड करना थोड़ा अलग है, क्वेश्चन 4 को भी करना ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है और क्वेश्चन 5 को भी एक बार करना गो थ्रू जरूर करना सर, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन दिया मैंने, फॉलोइंग ट्रांजैक्शन को एग्जामिन करना है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961, बस ये कुछ क्वेश्चन कर लो, ठीक है ये कुछ क्वेश्चन कर लो आधा सोर्स में और कौन रोके सर आपको, ठीक है बस इतना ही आज, कल किसी दूसरा चैप्टर के साथ डिटेल्स में बात करेंगे, और ये सब क्वेश्चंस प्लीज घर में कर लीजिएगा, मैं आज ही शेयर कर देता हूँ आप लोगों को, ठीक है ओके सर कोई सवाल है तो करो मेरे तरफ से, तो हो गया ठीक है सर बाय फिर टाटा फिर आज सबको बाय सर ओके बाय सर टाटा सर टाटा टाटा। हेलो सर।